हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेग्राम एकेडमी। मेरा नाम इंद्रजीत है और आज हम स्टार्ट करेंगे पाइथन 3। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखें कि हमारा पाइथन यूज़ कहाँ कहाँ होता है, राइट? तो पाइथन का यूज़ हम लगभग कंप्यूटर साइंस के हर एक एरिया में कर सकते हैं, लाइक हमारे गेम डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, या फिर हम कोई GUI बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वहाँ पर पाइथन का यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा वेब क्रॉलिंग में, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है पाइथन का वो हमारा हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है? पाइथन में बहुत सारी प्री डिफाइंड ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो हमारी मशीन लर्निंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है पाइथन के अंदर, ओके? तो इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, जितने बेसिक्स हैं पाइथन के, लाइक वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल टाइप, डेटा टाइप्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, स्ट्रिंग कैसे क्या होती हैं, लिस्ट क्या होती हैं, ठीक है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, लूप वगैरह कैसे वर्क करते हैं पाइथन में, तो हमारा जितना बेसिक स्टफ़ है पाइथन का वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि हमें चाहिए क्या। तो हमारे पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए या फिर बनाने के लिए तो हमें एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए, भले हम नोट पैड यूज़ कर लें, नोट पैड प्लस प्लस यूज़ कर लें, ठीक है, वट एवर यू लाइक, आप कोई सा भी एक टेक्स्ट एडिटर पिक कर लीजिएगा, उसे यूज़ कर लीजिएगा जहाँ पर हम प्रोग्राम टाइप कर सकें, ठीक है, टेक्स्ट टाइप कर सकें। उसके अलावा उसे रन करने के लिए हमें एक पाइथन इंटरप्रेटर की ज़रूरत होगी, राइट? जिसे हम डाउनलोड करने के लिए जाएंगे www.python.org पर, और डाउनलोड्स पर जाएंगे, देन विंडोज़ पर जाएंगे अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो, उसमें प्री इंस्टॉल्ड आता है पाइथन, राइट? यहाँ विंडोज़ के लिए हम क्या करेंगे, विंडोज़ पर जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, राइट? जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। करेंटली मेरा सिस्टम नेट से कनेक्ट नहीं है तो इसे कनेक्ट कर लेते हैं, ओके, नाउ रिफ्रेश इट। ओके, तो हमारी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। ये अप्रॉक्सीमेटली 30 MB का exe फाइल है, जिसे हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। आई एम गोइंग टू दिस PC, जब आपका डाउनलोड हो जाएगा तो ये डाउनलोड्स के अंदर आ जाएगा, राइट? एंड देन हियर इट इज़। इस पर डबल क्लिक करके हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले सबसे पहले आप ये नोटिस कर लीजिएगा कि आपका ये वाला चेकबॉक्स एड पाइथन 3.6 टू पाथ, ये चेकबॉक्स क्लिक होना चाहिए, ठीक है? इससे हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी पाइथन को एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो क्लिक द इंस्टॉल नाउ। तो हमारी इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट हो गई है, देन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। तो हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया हमारे सिस्टम के अंदर। अब हम सर्च कर सकते हैं पाइथन के लिए, ओके? सो हियर इट इज़, पाइथन डेस्कटॉप ऐप। मैंने इसे ओपन किया तो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आ गया, जिसके ऊपर हम पाइथन की स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू प्रिंट समथिंग, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कि हमारा सबसे बेसिक प्रोग्राम है। जब भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम सीखते हैं सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड, राइट? प्रेस एंटर, कोई सेमी कॉलम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्रेस एंटर और हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है? अगर हमें कोई एक स्टेटमेंट अगर प्रिंट करवाना है या कोई एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो हम पाइथन शेल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? फिलहाल के इसे क्लोज कर देते हैं। अब बात करते हैं यार पाइथन के प्रोग्राम कैसे बनाने हैं, राइट? तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सा भी एक टेक्स्ट एडिटर, मैं यहाँ पे नोट पैड प्लस प्लस यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है? आप कोई सा एक पिक कर लीजिएगा। मैंने एक न्यू फाइल बनाई और प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है पहले एक बार चेक कर लेते हैं। प्रिंट, जैसे कि हमने वहाँ पे लिखा था, कुछ भी प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, ओके? बस ये हमें करना है एक लाइन को प्रिंट करने के लिए, ठीक है? हमें कोई क्लास डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई हेडर फाइल अभी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम सी में करते हैं #include stdio.h वगैरह वगैरह, ठीक है? वो सब हमें करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक लाइन लिखनी है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इसे शेव कर देंगे, ठीक है? शेव मैं कर रहा हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ही। फॉर एग्जांपल, इसका नेम मैंने ले लिया प्रोग्राम। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर नेम से शेव करना है, आप किसी नेम से शेव कर सकते हैं, लेकिन नोट दैट कि लास्ट में जो आपका एक्सटेंशन है वो हमारा .py होना चाहिए, ठीक है? दिस py स्टैंड्स फॉर पाइथन फाइल। नाउ क्लिक ऑन शेव। तो हमारे डेस्कटॉप पर हमारा प्रोग्राम शेव हो गया है। अब इसे रन कैसे करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे, ठीक है? वंस इट ओपन,
देन हम डेस्कटॉप पर जाएंगे, सीधी डेस्कटॉप, क्योंकि हमने जो प्रोग्राम है वो डेस्कटॉप पर सेव कर रखा है। प्रेस एंटर, हम डेस्कटॉप पर आ गए। राइट, अब हम पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले तो पाइथन लिखते हैं, ठीक है। मैं लिखा पाइथन, देन प्रोग्राम का नेम हमारा है प्रोग्राम डॉट पी वाई। राइट, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम ऑफ पाइथन। हमें अलग से कंपाइल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम जावा में करते हैं, पहले कंपाइल करते हैं उसके बाद में रन करते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ पे रन कर सकते हैं प्रोग्राम के लिए। ओके, तो एक काम करते हैं, इसे साइड में ले लेते हैं और एक साइड में नोटपैड को ओपन कर लेते हैं। ठीक, ओके, ये हमने प्रिंट किया था, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अगर हमें कोई नंबर प्रिंट करना है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रिंट 5। ओके, और जैसे इसे रन करेंगे तो हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट्स में लिखते हैं, आपको पता होगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्ट्रिंग को लिखते हैं। जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डबल में यूज़ करना है, हम यहाँ पे सिंगल कॉमास का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तभी हमारा सेम रिज़ल्ट आएगा। ओके, और अगर हमें ये दोनों एक साथ प्रिंट करवाने हैं, मैंने लिखा टोटल रुपीज़ आई हैव इक्वल टू, और यहाँ पे हमने 5 को भी लिखना है, डायरेक्टली 5 को हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अगर आपको 5 को स्ट्रिंग के अंदर नहीं लिखना है, बाहर लिखना है, तो हम यूज़ करेंगे प्लस ऑपरेटर। राइट, और जैसे हम इसे रन करेंगे तो हमारी एक एरर आ जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है कि यार हम स्ट्रिंग और स्ट्रिंग को ही जोड़ सकते हैं, ठीक है, आपस में हम स्ट्रिंग और इंटीजर को नहीं जोड़ सकते हैं। या तो हम इसको एक स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर लें या इसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर लें। अब इसका तो इंटीजर में होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसे हम स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे str और इस 5 को उस str के ब्रैकेट्स के अंदर ले लेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, ये 5 एक स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा। अब हम इसे रन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा टोटल रुपीज़ आई हैव इक्वल टू 5। सो ये हमारा तरीका है, अगर हम कोई इंटीजर को ऐड करना है, कंकेटनेट करना है एक स्ट्रिंग के साथ में, ठीक है, तो हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन अदर हैंड अगर आपको कोई पाथ प्रिंट करना है, लाइक यहाँ पे मैंने प्रिंट किया समथिंग लाइक सी स्लैश या बैक स्लैश डी, फॉर सी के अंदर, फॉर एग्जांपल सी के अंदर की फाइल है मेरे पास में डेस्कटॉप, और उसके अंदर की फाइल है पाइथन। ठीक है, या फिर मैंने लिखा न्यू प्रोग्राम, ये हमारी स्ट्रिंग है जो हमें प्रिंट करनी है। राइट, जैसे हम इसे रन करते हैं तो एक छोटी सी दिक्कत आ रही है कि हमारा डेस्कटॉप तो ऊपर प्रिंट हो गया, उसके बाद में न्यू लाइन पे आ गया। एक्चुअली जो पाइथन में हमारा ये स्लैश बैक स्लैश और एन है, ये हमारा न्यू लाइन के लिए स्टैंड करता है, जैसे कि हमारा सी में और जावा में करता है। ठीक है, अगर हमें न्यू लाइन क्रिएट करनी होती है तो हम स्लैश एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा पाइथन में हम एक पाथ को प्रिंट करवा रहे हैं और वो इसको एक एज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ले ले रहा है कि यहाँ से हमें न्यू लाइन क्रिएट करनी है। ठीक है, अगर ऐसा हम नहीं चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग को रॉ स्ट्रिंग बना सकते हैं। रॉ स्ट्रिंग का मतलब है जैसी हमारी स्ट्रिंग है वैसी की वैसी रहेगी, करना कुछ नहीं है, जस्ट कॉमा से पहले आर लगा देना है। ठीक है, अब से सेव करते हैं, फिर से रन करेंगे तो हमारा जो आउटपुट है वो हमारा प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, ये जो स्लैश एन है इसका कोई स्पेसिफिक मीन नहीं होगा क्योंकि हमारी ये रॉ स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने यहाँ पे आर यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, एक स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, एक इंटीजर वैल्यू नंबर वैल्यू को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और दोनों को एक साथ जोड़कर कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और या फिर किसी पाथ को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। राइट, एक और तरीका भी है, अगर आपको str में कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्टली एक इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ में कंकेटनेट करना है, तो ये हमारा एरर दे रहा था। राइट, ऐसी एरर दे रहा था कि मस्ट बी str नॉट int। राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, इस प्लस को हटा के यहाँ पे कॉमा यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा क्या करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंटीजर है कि स्ट्रिंग है, ये बस इन दोनों को कंकेटनेट करने के रूप में काम में आएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो हमारा एकदम एग्जैक्ट वही आंसर आएगा जो हमारा वैसे आ रहा था। तो अगर आप प्लस का मतलब इसे str के अंदर स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली ऐसे रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे प्लस की जगह पे कॉमा ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी बेसिक स्टफ, इसे हटाते हैं और अपनी इधर कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब बात करते हैं यार कि पाइथन में वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं।
तो वेरिएबल पहले तुम्हारा होता क्या है, जो भी हमारी किसी वैल्यू को होल्ड करे ठीक है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और वो वैल्यू बाद में चेंज भी हो सकती है या फिर सेम भी रह सकती है, डजेंट मैटर। लेट्स से हमारे पास में एक वैल्यू है, किसी का नाम है, तो हम एक वेरिएबल बना लेंगे नेम, और उस बंदे उस नेम के अंदर उस बंदे का नाम स्टोर करवा लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया टेक ग्राम अकेडमी। ओके तो ये हमारा जो नेम है वो स्टोर हो गया किसके अंदर, इस नेम वेरिएबल के अंदर। राइट, अगर हम इस नेम को प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम, और इसे सेव करते हैं और रन करते हैं बाद में, प्रोग्राम डॉट सॉरी एक्चुअली वी हैव टू राइट पाइथन फर्स्ट, पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई, तो यहाँ पे आ जाएगा टेग्राम अकेडमी। राइट, क्योंकि हमने नेम को प्रिंट किया है। और लैंग्वेजेस की तरह हम यहाँ पे पहले लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा किस टाइप का डेटा वेरिएबल है, कि स्ट्रिंग है या फिर ये इंट है या फिर हमारा कोई फ्लोट वेरिएबल है, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली पाइथन ये डिसाइड कर लेगा कि आपने किस टाइप की वैल्यू उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे नेम नहीं है हमारा, कोई नंबर है, और यहाँ पे हमने टेग्राम अकेडमी की जगह पे कोई नंबर स्टोर करवाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ले लिया 12 ठीक है, और यहाँ पे नंबर को प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम वही आएगा, हमें यहाँ पे इंट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है पहले से। ठीक है, पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है कि हमारे किस टाइप की वैल्यू हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अगर फिर भी आप बाद में चेक करना चाहें कि किस टाइप की वैल्यू हमारी इंसर्ट है इस वेरिएबल के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं कि उस नंबर का उस वेरिएबल का टाइप को हम प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, उस वेरिएबल के टाइप को हम प्रिंट कर लेंगे, तो ये हमें बता देगा कि किस टाइप की वैल्यू हमारी उस वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हमारा आंसर आता है क्लास इंट, मतलब जो नंबर के अंदर जो वैल्यू है वो हमारी इंटीजर टाइप की है। अगर हमारी वैल्यू कोई नेम होता, मैंने लिखा इंद्रजीत सिंह, दिस इज़ माई नेम, राइट, इसे रन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा str, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू इसके अंदर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे स्टोर करता हूँ 13 पॉइंट समथिंग एंड रन करते हैं, तो हमारी जो हमारा वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी फ्लोट टाइप। ठीक है, कि हमारा जो टाइप है इस वेरिएबल का वो हमारा फ्लोट टाइप है, सो वी डजंट नीड टू डिक्लेयर। और हमें यहाँ पे कोई डेटा टाइप को मतलब याद रखने की झाड़ नहीं है कि कौन सा डेटा हम यूज़ करने वाले हैं या हम किसी और वेरिएबल के अंदर कोई और वैल्यू स्टोर करवाने जा रहे हैं तो दिक्कत देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इवन अगर हम यहाँ पे स्टोर करते हैं ट्रू, ट्रू का टी कैपिटल रहेगा और इसका जो टाइप है वो प्रिंट करवाते हैं, तो हमारा रहता है बूल, बूल स्टैंड फॉर बुलियन। ओके, तो ये तो था हमारा कि हम एक वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ऑपरेटर्स की, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, जिसका हम यूज़ करेंगे आने वाले बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर। तो जस्ट कुछ नहीं है, अगर हम प्रिंट करते हैं 5 प्लस 3 ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आपको पता है 8 आएगा। ओके, तो ये हमारा एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस, अगर इसकी जगह पे हम माइनस यूज़ करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आ जाएगा। राइट, या फिर इसकी जगह हम अगर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कोई माइनस साइन सॉरी या फिर एस्ट्रिक मल्टीप्लाई साइन या फिर डिवाइड बाय साइन, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डिवाइड किया 5 डिवाइड बाई 3 और हमारा आंसर आ गया 1.6617। ओके, इन दैट केस की अगर आपको ये बात की वैल्यूज़ नहीं चाहिए, पॉइंट की बात की वैल्यूज़ नहीं चाहिए आपको, खाली जो मेन हमारा जो ये आंसर आया है वो चाहिए, तो हम यहाँ पे इंटीजर डिवीज़न यूज़ करेंगे, जो कि हम कर सकते हैं डबल स्लैश का यूज़ करके। ठीक है, खाली 1 आंसर हमारा आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू हमारी बड़ी है लाइक 10, तो 3.333 समथिंग आना चाहिए आंसर, और क्योंकि हमने यहाँ पे डबल स्लैश यूज़ किया है तो हमारा खाली 3 आंसर आएगा। ओके, और उसकी जगह पर अगर आपको शेषफल देखना है हमारा कितना शेषफल आ रहा है, तो हम यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, लाइक हम लिखेंगे 10 मॉडुलस, दिस इज परसेंटेज साइन, ठीक है 3, इसका मतलब ये हुआ कि 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा शेषफल कितना बचता है। ठीक है, हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, सॉरी मैंने इसे शेव नहीं किया, कंट्रोल एस नाउ, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 1 बचेगा। राइट, तो भाई हमारे यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 2 बचना चाहिए, तो द आंसर इज हेयर
इज टू. ओके, तो ये हमारे कुछ ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो हम यूज़ कर सकते हैं, आगे यूज़ करेंगे भी अपने प्रोग्राम्स के अंदर. फिलहाल के लिए मैं इसे हटा देता हूँ. नाउ लेट्स से वी हैव अ स्ट्रिंग, मैं लिखा टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर लिखा है और दिस इज, ओके, दिस इज सम टेक्स्ट टू डिस्प्ले, ठीक है. अगर इसे हम प्रिंट करते हैं तो आपको पता है आंसर इसका क्या आएगा, हमारा टेक्स्ट है दिस इज सम टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यही प्रिंट हो जाएगा, राइट. तो ये हमारा प्रिंट हो गया. इन दैट केस कि हम यार ये पूरा प्रिंट आउट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि जस्ट और जस्ट इतना ही प्रिंट हो, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट टेक्स्ट हमारा सेम रहेगा, फिर बड़ा ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दिया ज़ीरो और एंड पॉइंट हमें कितने चाहिए, ज़ीरो स्टार्टिंग होती है, ज़ीरो वन टू थ्री, ठीक है, हमें थ्री तक कैरेक्टर चाहिए तो हम यहाँ पे पास करेंगे फोर, फोर, ठीक है. तो ये क्या करेगा, हमारे ज़ीरो से लेकर थ्री इंडेक्स तक के सारे कैरेक्टर्स प्रिंट कर देगा. दैट इज द आउटपुट. ओके, तो हमारी टोटल लेंथ है और ये हमने एक पर्टिकुलर एरिया प्रिंट किया एक स्ट्रिंग का. ऐसे अगर आपको दिस नहीं चाहिए, यहाँ पे टी नहीं चाहिए इसका, तो हम इसे वन स्टार्ट कर सकते हैं, वन, और हमारा आंसर आ जाएगा हिज, राइट. हमारा टी आगे से हट जाएगा, स्टार्टिंग वन से होगी और उसके बाद में काउंट करेगा वन टू थ्री, थ्री तक. अगर यहाँ फाइव पास करेंगे तो हमारा काउंट करेगा फोर तक, ठीक है, एक स्पेस साथ में आ जाएगा. और अगर आपको पर्टिकुलर लेटर प्रिंट कर रहे हैं तो हम, फॉर एग्जांपल, हमें पता करना है कि हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट ज़ीरो, ठीक है, इससे हमारा पता लग जाएगा सबसे पहला हमारा लेटर है वो टी है, ठीक है, हियर इट इज़. और अगर आपको उसके बाद का लेटर पता करना है तो वन है, ओके, हियर इट इज़ एच. तो ऐसे हम किसी भी लेटर को प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे हम किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं. और इन दैट केस अगर आपको लास्ट वाला लेटर, ये वाई प्रिंट करना है, देखना है कौन सा लेटर सबसे लास्ट में है, तो हम यहाँ पे माइनस का यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब है कि पीछे से पहला हमारा जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाएगा. रन किया तो यहाँ पे हमारा वाई आंसर आ गया. तो ये कुछ हमारे छोटे मोटे ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं जब भी हम स्ट्रिंग के साथ में वर्क करेंगे, इन सब का यूज़ करेंगे धीरे धीरे, ठीक है. अब इसे भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, और बहुत ज़्यादा गंदगी फैल गई है, ठीक है, सी एल एस, ओके. सो अब बात करते हैं लिस्ट के बारे में. सबसे पहले आपके अकॉर्डिंग लिस्ट क्या हो सकती है, लिस्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, राइट. हमारे आइटम्स किस टाइप के होंगे, किसी भी एक टाइप के आइटम हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपकी मम्मी ने आपको एक लिस्ट दी है सौदे की, ठीक है, आपको ये सामान बाजार से परचेस करके लेके आना है एंड आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग सामान परचेस करके ले आते हैं, ठीक है. तो लिस्ट में क्या है, कुछ आइटम्स हैं जो हमें दिए गए हैं खरीदने के लिए, राइट. तो ऐसे सेम हमारे पास में लिस्ट होती है पाइथन के अंदर, जिसमें हम कोई सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, मेरे पास में हैं आलू एंड गोभी, एक्चुअली आई हेट गोभी, राइट. एंड उसके बाद में कोई एक और आइटम ले लो, मैंने ले लिया यहाँ पे करेला, ओके. तो ये हमारी एक लिस्ट है, लिस्ट को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, ओके. तो ये हमारे पास में एक लिस्ट है और इसको हम स्टोर करेंगे किसी एक वेरिएबल के अंदर, मैंने ले लिया लिस्ट वन. सो दिस इज़ द बेसिक सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग अ लिस्ट. तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की है जिसका नाम है लिस्ट वन, और उसके अंदर आइटम्स क्या क्या हैं, आलू, गोभी, करेला, ओके. ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रिंग ही हमें इनपुट करनी है, हम इसकी जगह पे यहाँ पे 12, 43, 45 या 4565 वट एवर ये एलिमेंट्स भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. अगर हम प्रिंट करेंगे इन्हें, प्रिंट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया लिस्ट वन को, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा, पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ जाएगी, ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि यह पूरी लिस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पहला आइटम चाहिए था प्रिंट होने के लिए, तो यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं लिस्ट वन ज़ीरो. पहला हमारा जो ज़ीरो आइटम है, स्टार्टिंग हमारी ज़ीरो से होती है लिस्ट के अंदर, ठीक है, ये ज़ीरो आइटम है.
तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा 12। अगर आपको लास्ट आइटम चाहिए तो अगेन सेम एज स्ट्रिंग -1। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 64, मतलब 64, विच इज़ द लास्ट एलिमेंट। ओके, ऐसे अगर आपको स्टार्टिंग से लेकर कि यहाँ तक की लिस्ट चाहिए 0, 1, 2, तो हमारा जो सिंटेक्स होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। हम यहाँ स्टार्ट करेंगे 0 से और हमें 3 से पहले के सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो हम लिखेंगे 0 (3). तो हमारे पास में जो लिस्ट आई है, प्रिंट हुई है, वो हमारी 0, 1, 2 तक प्रिंट हो गई, राइट। ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें दो लिस्ट को जोड़ना है आपस में, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं लिस्ट 2। मैंने एक लिस्ट बनाई और इसके अंदर कुछ और आइटम डाल दिए, कॉमा, व्हाटएवर, ठीक है। और यहाँ पे एक लिस्ट 3 मैंने बनाई, लिस्ट 3 इक्वल टू लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो हमारी जो दोनों लिस्ट हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगी और बाद में हम लिस्ट 3 को प्रिंट करवा लेंगे और इसे रन करवा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी ये वाली लिस्ट प्रिंट हो गई, उसके बाद में हमारी जो लिस्ट है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कंकेटनेशन, ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़कर हमें प्रिंट होके आ जाएंगी, ठीक है। जो लिस्ट 3 की वैल्यू वो हमारी क्या है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का कंकेटनेशन। ओके, सो अगेन वी आर मेकिंग अ लिस्ट, लिस्ट 1 विच हैज सम आइटम्स। ओके, नाउ मैं चाहता हूँ कि इसके लास्ट में एक और एलिमेंट जुड़ जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं लिस्ट 1 डॉट अपेंड 6। तो जो हमारा 6 है वो उस लिस्ट के एंड के अंदर जुड़ जाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को फिर से प्रिंट करवा लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लिस्ट 1, सेव किया एंड रन किया, तो जो 6 हमारा है वो इस लिस्ट के एंड में इंसर्ट हो गया। अगर आपको लास्ट में इंसर्ट नहीं करना चाहते हैं कि नहीं, हम एक इंडेक्स देंगे, उस इंडेक्स पे हमें इस लिस्ट, इस आइटम को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम उसकी जगह पे अपेंड की जगह पे एक और मेथड है इंसर्ट, उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि मुझे 34 की जगह पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, ठीक है। यहाँ 34 जो हमारा कौन सा इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे, दो यहाँ पे हम एक इंडेक्स पास कर देंगे 0 और यहाँ पे एक वैल्यू पास कर देंगे जो हम इंसर्ट करनी है। मुझे इंसर्ट किया मैंने फॉर एग्जांपल 12, तो हमारा जो 0 इंडेक्स है उस पर 12 इंसर्ट हो जाएगा और जो बाकी हमारी वैल्यूज़ हैं वो राइट शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। नाउ प्रिंट इट, तो हमारा जो आंसर आया है वो हमारा है 12, 34, 53, 3, 123, whatever, ठीक है। सबसे पहले हमारे इंडेक्स पे क्या आ गया है, 12, और जो बाकी हमारी वैल्यूज थी 34, 53, ये हमारी राइट शिफ्ट ऑटोमेटिकली सारी की सारी हो गई। इन दैट केस अगर आपको जो लास्ट आइटम है वो रिमूव करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 35 यहाँ पे हमें रिमूव करना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं पॉप, लिस्ट 1 डॉट पॉप, ठीक है। जो हमारा लास्ट आइटम था 35 वो हमारा प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने उसे लिस्ट से रिमूव कर दिया है, ठीक है। इन दैट केस कि अगर आपको यार ये वाला नहीं, आपको चाहिए था कि ये 3 रिमूव हो, ठीक है, 0, 1, 2, इसका इंडेक्स है 2, तो यहाँ पे हम इंडेक्स पास कर देंगे 2 और हमारा जो आइटम है 2/3 वो हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, आई थिंक देयर शुड बी अनदर मेथड, प्रॉपरली मुझे ध्यान नहीं है, शायद यहाँ पे एक और मेथड भी था कॉल्ड रिमूव, जो हमारा पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर 53 है, इफ़ आई इंसर्ट 53 हेयर और रन करेंगे, यस इट्स वर्किंग। तो एक और मेथड है रिमूव, जो हमारे एक पर्टिकुलर नंबर को रिमूव कर सकता है पूरी लिस्ट के अंदर। अगर 53 कहीं और भी एग्जिस्ट कर रहा होता तो वहाँ से भी रिमूव हो जाता। ओके, सो दिस इज़ द प्रीटी बेसिक स्टफ ऑफ लिस्ट। नाउ क्लियर इट टू क्लियर। तो अभी तक जितने हमने प्रोग्राम्स बनाए हैं उसमें हमने किसी में भी यूज़र से इनपुट नहीं लिया है, ठीक है। हम खुद से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे और वेरिएबल्स को हम कुछ वैल्यू दे रहे थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया था नेम इक्वल टू इंद्रजीत, राइट। तो ये हमने क्या किया था, यहाँ पे
कि इस वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसमें जस्ट वैल्यू डाल दी, ठीक है। हम चाहते हैं कि यही वैल्यू यूज़र डाले, तुम कैसे करेंगे? तो इसके लिए एक मेथड है इनपुट, ठीक है। और ये इनपुट क्या करेगा कि यूज़र से एक इनपुट के लिए वेट करेगा, और जैसे हम इनपुट डाल करके कोई टेक्स्ट डाल करके एंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू होगी वो इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं जो कि हमारे यूज़र के सामने प्रिंट होगी। अभी देखते हैं कैसे होगी। मैंने लिखा एंटर समथिंग, ओके, एंटर समथिंग, और जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ पे ये लिखा आएगा एंटर समथिंग, और इसके आगे हम कुछ डाल सकते हैं। मैंने लिखा दिस इज इंद्रजीत हियर, ओके। तुम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक वैल्यू ले ली, इस नेम के अंदर स्टोर करवा ली। अगर हम चाहें तो इसे हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं लिखा प्रिंट नेम, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डाला इंद्रजीत, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इंद्रजीत, राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो नोट करनी है वो ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो ये रिटर्न करता है हमारे लिए वैल्यू वो एक स्ट्रिंग होती है, ठीक है। मैंने जो एंटर किया यहाँ पे इंद्रजीत, तो ये एक स्ट्रिंग है। इन दैट केस अगर मैं यहाँ पे कोई इंटीजर भी एंटर करते 1 2 3, तभी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर स्ट्रिंग ही जाता है, ठीक है। तो जो हमारा इनपुट मेथड है वो हमें स्ट्रिंग ही रिटर्न करता है। लेट्स सी, मैंने यहाँ पे लिया नंबर 1, ठीक है, इनपुट मेथड का यूज़ किया, इनपुट मेथड का, ओके। यहाँ मैं लिखा यार एंटर अ नंबर, और यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट किया उस नंबर नंबर 1 हमारा नेम था, राइट, इसमें 3 को ऐड करके। और जैसे प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यार एक एरर आ जाएगी। मैंने यहाँ पे 12 एंटर किया, एरर आ गई हमारे पास में कि यार मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंट। क्या हो रहा है ना कि ये जो हमारा नंबर 1 है ये एक स्ट्रिंग है और ये हमारा इंट है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंकेटनेट नहीं हो पा रहे हैं। और हमें करना क्या था कि इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ पे नंबर 1 में 12 डाला मैंने, तो वो 12 और +3 हमारा टोटल 15 हमें आउटपुट मिल जाए, हमें करना है, राइट। तो क्या कर सकते हैं हम, या तो हम इस नंबर 1 को इंट के अंदर लिख लेंगे, इंट, ठीक है, इसे टाइप कास्ट कर लेंगे इंटीजर के अंदर, और या फिर हम चाहते हैं, सॉरी, कर सकते हैं क्या कि जैसे हमारी जो वैल्यू है इनपुट मेथड कोई वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करे तो वो पहले से ही इंट में कन्वर्ट होके नंबर 1 के पास में जाए, तो जिससे हमें बार बार नंबर 1 के आगे इंट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इंटर नंबर, जैसे हमारा नंबर आएगा वो नंबर के पास चला जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट होकर के, ओके। मैं यहाँ पे रन किया, यहाँ पे 12 एंटर किया तो हमारा आंसर आ गया 15। तो अभी दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, राइट। तो ऐसे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की, ठीक है। अगर हम अपने प्रोग्राम में कहीं भी कोई कंडीशन पुट करनी है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम ये करे, या फिर अगर हमारी कोई और कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम वो करे। जस्ट लाइक मैंने एक प्रोग्राम बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने इसे कहा कि शट डाउन द कंप्यूटर, तो अगर मैंने शट डाउन द कंप्यूटर कहा है तो सिस्टम को शट डाउन करे, ठीक है। अगर मैंने रीस्टार्ट द कंप्यूटर कहा है तो वो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करे। या फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर मेरी उम्र है वो 18 से ऊपर है तो मैं एक बियर शॉप से बियर खरीद सकता हूँ, अदरवाइज नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो कैसे यूज़ करेंगे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स? मैंने यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें यूज़र से इनपुट लूँगा प्लीज़ एंटर योर एज एज, ठीक है। या फिर हमने यहाँ पे लिख दिया हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, ओके। और सामने वाला बंदा क्या करेगा, एक वैल्यू डालेगा उसके अंदर कितने साल का वो है, और हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कैसे लगाई जाती है, हम लगाते हैं इफ़ एज इज लेस देन या फिर ग्रेटर देन, ठीक है। इसे हम ब्रैकेट्स में भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिया इफ़ एज इज ग्रेटर देन 18, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक बात और कि जो चीज़ें मैं इफ़ के अंदर लिखनी है, मतलब इफ़ के बाद में एग्जीक्यूट करवानी है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो जो थिंग हमें जो स्टेटमेंट्स के बाद में एग्जीक्यूट करवानी है वो हम डबल कॉलम लगाएंगे, उसके बाद में एंटर करेंगे
और दो स्पेस या चार स्पेस आगे आकर के उस चीज़ को लिखेंगे। ठीक है, मैंने आप लिखा प्रिंट गो गेट योर बियर। ठीक, ये जो दो स्पेस हमने दी हैं इसका मतलब ये है कि जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये इस इफ़ के अंदर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को ये दो स्पेस लेकर नहीं लिखते तो ये हमारी प्रिंट स्टेटमेंट इस इफ़ के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारी जो एज है वो 18 से बड़ी होगी तो यहाँ पे लिख के आएगा प्रिंट गो गेट योर बियर ऑल्सो इफ़ इट इक्वल्स टू 18। ठीक है, अगर हमारी एज 18 के बराबर है या फिर बड़ी है तो उसे बियर मिल जाएगी, और इन दैट केस अगर नहीं बड़ी है तो हम यहाँ पे एक प्रिंट कर देंगे एल्स, प्रिंट हम कर देंगे यहाँ पे सॉरी यू आर टू स्मॉल टू ड्रिंक बियर। हालांकि कोई छोटा नहीं होता है बियर पीने के लिए, राइट। सो व्हाट हेयर आई एम डूइंग, मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है इफ अगर मेरी एज बड़ी होती है या बराबर होती है 18 के तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा गो गेट योर बियर, क्योंकि जो ये प्रिंट स्टेटमेंट है ये हमारे इफ़ के अंदर है। कैसे पता, क्योंकि दो स्पेसेस हमने यहाँ पे छोड़े हैं, उसका मतलब ये है कि जो प्रिंट है ये इसके अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट हमने अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा ये एल्स स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली चल जाता है। अगर हमारी एज जो एंटर करवाई है यूज़र ने वो हमारी बड़ी है 18 से तो हमारा ऑटोमेटिकली ये वाला जो स्टेटमेंट है ये चलेगा, एल्स से हमें कोई मतलब नहीं होगा, एल्स हमारा नहीं एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो ऑटोमेटिकली जो हमारा एल्स के अंदर लिखा होगा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट, ये प्रिंट हो जाएगा। बहुत ही ईजी है समझने में, आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में बता दीजिएगा, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, नाउ इसे रन करके देख लेते हैं एक बार। वेरी गुड, यहाँ पे एक एरर आ गई है छोटी सी, वो कह रहा है यार ये दो दो कॉलम्स यूज़ कर रहे हो, दो दो कॉमास यूज़ कर रहे हो, इनवर्टेड कॉमास, राइट। ओके, तो उसने कहा हाउ ओल्ड आर यू, मैंने कहा यार 12 हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये क्या है तो कह रहा भाई कर क्या रहे हो, एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमारी एज है हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे हैं इंटीजर से, राइट, क्योंकि हम यहाँ पे एज को इंट में कन्वर्ट करना भूल गए। ओके, यहाँ पे मैंने शेव किया एंड रन किया अगेन, इसने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, मैंने कहा 12 है, मतलब सॉरी यू आर टू स्मॉल टू ड्रिंक बियर। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, हमारे पास में एज के अंदर वैल्यू आ गई 12, यहाँ पे चेक हुआ क्या 12 हमारा बड़ा है 18 से, उसने कहा नहीं ये नहीं बड़ा है, तो हमारा ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ़ के अंदर है और इफ़ की कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। ऐसे में क्या होगा, इफ़ हमारा रन नहीं हुआ तो हमारा एल्स ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्रिंट सॉरी यू आर टू स्मॉल टू ड्रिंक बियर। ठीक है, इन दैट केस अगर हमारे पास में वैल्यू 18 से बड़ी होती 19 होती तो यहाँ पे तुरंत क्या प्रिंट हो जाता, वाओ गो गेट योर बियर। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एज के अंदर वैल्यू है वो आ गई है 9, वो भी कन्वर्ट होके इंटीजर में, और जो हमारी 18 से बड़ी है इसलिए हमारा जो इफ़ के अंदर स्टेटमेंट आ रहा है प्रिंट, ये हमारा ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से हमारे पास में एक से ज़्यादा कंडीशन है, हम नहीं चाहते कि हमारे इफ़ एज हमारा 18 भी है, 16 भी, 17 भी है, मतलब बहुत सारी कंडीशंस हैं एक ही प्रोग्राम में, तो हम क्या यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिया नेम, ठीक है, नेम एक वेरिएबल है जो हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे, इनपुट मैं लिखा यहाँ पे एंटर योर नेम, राइट, तो यहाँ पे नेम एंड इनपुट होकर के नेम के पास में पहुँच जाएगा इस नेम वेरिएबल के पास में, और हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ नेम इज़ या फिर नेम इक्वल क्या होगा, मैंने फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे इंद्रजीत, ठीक है, अगर हमारा नेम इंद्रजीत है तो प्रिंट कर दे हेलो इंद्रजीत। ओके, इन दैट केस हमारे यहाँ पे अगर एक और नेम हमें चेक करना है तो हम यहाँ पे एल्स की जगह पे लगाएंगे एल इफ़, एक और कंडीशन चेक करने के लिए, मैंने यहाँ पे लिखा एल इफ़ नेम इक्वल टू ईशांत,
देन प्रिंट हेलो ईशांत राइट नाउ अगर इसके अलावा हमारे पास में कोई और कंडीशन आती है एल्स अगर हमारे की और भी नेम इनपुट किया जाता है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हु द हेल आर यू ठीक है जस्ट मैंने चेक करने के लिए आपको यूज़ किया है कि अगर हमारी ये कंडीशन ठीक है इंद्रजीत तो ये रन हो जाएगा अगर ये कंडीशन रन नहीं होती है तो वो अगेन चेक करेगा एलिफ अगर हमारी ये कंडीशन राइट है तभी चल जाएगा हेलो शांत इन दैट केस अगर दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हैं तो हमारा एल्स ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा ठीक है नाउ एक चीज़ आपको नोटिस करनी है कि हमेशा ये टू स्पेसेस हमें देने ही देने हैं ठीक है अगर हम ये टू स्पेसेस नहीं देंगे तो हमारा ये जो ये स्टेटमेंट है ये इस एलिफ के अंदर नहीं आएगा ठीक है हम एक प्रोग्राम में हम बहुत सारे एलिफ यूज़ कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक और एलिफ यूज़ कर लिया एलिफ मैंने एक नेम ले लिया किसी लड़की का नेम ले लेते हैं लेट्स सपोज आयुषी ओके अगर हमारा नेम आयुषी है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए वेलकम आयुषी ओके तो ऐसे हम कितनी भी एलिफ कंडीशन यहाँ पे लगा सकते हैं इस प्रोग्राम के अंदर मैं इस प्रोग्राम को रन किया यहाँ पे लिखा गया एंटर योर नेम ठीक है मैंने यहाँ पे नेम एंटर किया इंद्रजीत उसने कहा हेलो इंद्रजीत मैंने लिखा ईशांत उसने कहा हेलो ईशांत और मैंने लिखा यार बकी एंटर किया तो कहता है हु द हेल आर यू एक्चुअली बकी इज़ द नेम ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर यू ऑल्सो मे नोन हैव हिम हिज नेम इज़ बकी रॉबर्ट वो एक मालिक है द न्यू बॉस्टन यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हैं उसके बहुत सारे बनाए हुए आप एक बार चेक कर लीजिएगा आई थिंक ही इज़ द बेस्ट किसी भी लैंग्वेज के ऊपर ट्यूटोरियल बनाने में वो बंदा एकदम मस्त है एकदम बेस्ट है फिलहाल यहाँ प्रोग्राम में हमसे पूछ रहे हैं भाई तुम हो कौन ठीक है ओके सो वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर तो ये हमारी बेसिक हमारे इफ़ एल्स कंडीशन कैसे वर्क करती हैं वो है नाउ हम बात करते हैं अब लूप्स की ठीक है तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के लूप्स हैं फर्स्ट वन इज़ वाइल सेकेंड वन इज़ फॉर ठीक है तो पहले हम वाइल के बारे में बात करते हैं पहली बात तो यार ये लूप हम क्यों यूज़ करते हैं अगर हमें किसी भी एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करवाना है ठीक है तो वहाँ पे हम यूज़ लूप का यूज़ करते हैं ठीक है अगर हम रिपीटेशन दिखाना चाहते हैं किसी चीज़ को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं कोई स्टेटमेंट बार बार प्रिंट करना चाहते हैं ठीक है तो जो चीज़ें हमें बार बार रिपीट करनी है तो वहाँ पर हम लूप का यूज़ करते हैं कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे क्या करना है एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ हेलो ठीक है मुझे इस हेलो को 10 बार प्रिंट करना है मैं लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने लिखना पड़ा 10 बार ठीक है 10 ओ सॉरी 10 ठीक है 10 बार हो गया अब इस प्रोग्राम का रिजल्ट होगा हमारा 10 बार हेलो यार 10 लाइनें हो गई अगर ऐसे ही मैं 1000 बार लिखना होता तो क्या मैं एक एक 1000 बार प्रिंट 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 लिखता नहीं ना तो ऐसे में जो बार बार रिपीट करवानी है कोई चीज़ हमारे लिए तो वहाँ पे हम लूप्स का यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब वाइल लूप क्या कहता है कि सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो ठीक है मैंने आई ले लिया आई इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल मैंने 0 ले लिया 1 ले लिया 1 ले लिया ठीक है नाउ वाइल का सिंटेक्स क्या है वाइल के अंदर एक कंडीशन आती है आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 ठीक है कंडीशन हमारी क्या है कि अगर आई हमारा छोटा है या बराबर है 10 के डबल कॉलम लगाएंगे अंदर आएंगे और वाइल लूप के अंदर कैसे आते हैं डबल स्पेस दे करके ठीक है अब हम वाइल लूप के अंदर हैं वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 प्रिंट हेलो ठीक है यहाँ पे क्या कर रहा है आई के अंदर हमने 1 डाला आई के अंदर क्या है 1 यहाँ पे चेक करेगा आई इज़ लेस देन 10 यानी 1 हमारा जो छोटा है 10 से यहाँ पे आ जाएगा ट्रू जैसे हमारे लूप के अंदर ट्रू आएगा ये लाइन प्रिंट कर देगा और प्रिंट करने के तुरंत बाद में वापस फिर लूप पे जाएगा फिर देखेगा कि हमारा आई इज़ लेस देन 10 तो कहेगा ट्रू ठीक है फिर हमारा ये प्रिंट होगा क्योंकि आई के अंदर हमारे हमेशा हमारी वैल्यू कितनी है 1 लगातार ट्रू होता रहेगा लगातार प्रिंट होता रहेगा अनलिमिटेड टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंट हो जाएगा ठीक है तुम क्या करेंगे आई को हर बार 1 से इंक्रीज कर देंगे
ठीक है। अब क्या होगा, आई के अंदर वैल्यू कितनी थी, 1, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हेलो प्रिंट हो जाएगा, और आई की वैल्यू अब आई प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 2 हो जाएगी। और जैसे हमारे ये यहाँ से बाहर आएगा तो बाहर आने के बजाय वो ऑटोमेटिकली इस कंडीशन के ऊपर जाएगा फिर से और कंडीशन को चेक करेगा। इस समय हमारा आई के अंदर 2 है और लेस देन इक्वल टू 10 है, राइट है, तो ये फिर से ट्रू हो गया और ये हमारी लाइन फिर से प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर से एक आई इंक्रीज हुआ, 3 हुआ, ऐसे करते करते 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, हर बार हेलो प्रिंट होता रहेगा, ऐसे 10 बार हमारा हेलो प्रिंट हो जाएगा। एट द लास्ट जब हमारा आई के अंदर 10 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आके वो आई के अंदर 11 हो जाएगा, 10 प्लस 1 11 आई के अंदर आ जाएगा और ये इस कंडीशन के ऊपर जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा कि आई के अंदर वैल्यू है 11 और ये हमारा है 10 और यहाँ पे शो हो जाएगा 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, कि हमारा 11 छोटा है बराबर है 10 के। प्रोग्राम कहेगा नहीं, यहाँ पे कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप के बाहर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बाहर आके एक लाइन प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एग्जीक्यूटेड, कुछ भी एक लाइन प्रिंट करवा दी मैंने। ठीक है, सो दिस इज़ द वेरी बेसिक स्टफ टू यूज़ व्हाइल। इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले दिक्कत आ गई कि यार हेलो क्या है, इट्स अ स्ट्रिंग, तो हमें इसे कोट्स के अंदर लिखना होगा, डबल कोट्स मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए। और अब प्रोग्राम चलाया तो यहाँ पे लिखा गया हेलो 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 10 टाइम्स हेलो आ गया। ठीक है, और उसके बाद में लिखा गया एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर हमें कोई नंबर प्रिंट करवाना है यहाँ पे हेलो हेलो की जगह पे लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, आई को ही प्रिंट करवा लेंगे क्योंकि आई के अंदर हमारी वैल्यू 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, राइट। तो इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 1 से लेकर 10 तक आ जाएगी और लास्ट में हमारा जो प्रिंट स्टेटमेंट है जो व्हाइल लूप से बाहर है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड। ओके, अनलेस से यू वांट टू मेक अ प्रोग्राम फॉर टेबल प्रिंटिंग अ टेबल। ठीक है, टेबल मतलब हम दो एंड कोई नंबर एंटर करेंगे और हम दो नंबर एंटर कर रहे हैं तो हमारा वो दो का टेबल प्रिंट कर दे, 3 नंबर एंटर कर रहे हैं तो 3 का टेबल प्रिंट कर दे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इनपुट ले लिया, मैंने एक ले लिया नंबर नंबर एंड यहाँ पे ले रहे हैं इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, जो भी हमारा नंबर आएगा उसका जो पहाड़ा होगा टेबल होगा वो हमारा प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो कैसे होगा, नंबर की गुणा कर देंगे हम आई से, पहली बार में आई के पास में कितना हमारे पास में है 1। ठीक है, और नंबर के पास में जो वैल्यू हमारा यूज़र इनपुट करेगा, फॉर एग्जांपल यूज़र इनपुट किया 2। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई के अंदर 1 है उसके अंदर क्या है 2, सबसे पहले हमारा नंबर और आई की गुणा होगी, कितना हो जाएगा हमारा 2 1 2 आंसर आ जाएगा। फिर हमारी आई की वैल्यू नंबर में 2 ही रहेगी और आई की वैल्यू चेंज होकर यहाँ से चेंज होकर के फिर से लूप पे जाएगा, आई के अंदर सर क्या है 2, तो हमारा नंबर इन मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 2 2 4, तुम्हारा 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जो भी यूज़र कोई नंबर एंटर करेगा ऑटोमेटिकली उसका पहाड़ा जो हमारा है उसका टेबल है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा एंटर नंबर, मैंने कहा 1, तो अरे 1 1 1 1 1 ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग इसे समझ के कंकैटनेट कर दे रहा है। हमें करना क्या था यहाँ पे, इसे इंट के अंदर चेंज करना है पहले, तो ठीक है, हर बार हम भूल जाते हैं। ओके, सेव कर दिया मैंने, फिर से रन किया तो ये एंटर नंबर, मैंने 5 एंटर किया तो यहाँ पे लिखेगा 5 1 5 5 2 10 5 3 12 सॉरी 15 5 4 20 5 5 25, राइट, बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी। वेल वेल वेल, हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। तो ऐसे में अगर हमें कुछ चीज़ बार बार रिपीट करनी होगी तो हम लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा सेकेंड लूप है वो हमारा है फॉर लूप, जिसका सिंटैक्स बहुत ही इजी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर, एक वेरिएबल बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आई, यहाँ मैंने लिख लिया आइटम। ठीक है, यहाँ लिख लिया आई इन, अगर हमें कोई नंबर जनरेट करने है फॉर एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक गिनती प्रिंट करनी है तो मैं लिखेंगे रेंज, रेंज 10। ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ये 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर प्रिंट कर देगा। मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया किसको, आई को, तो यहाँ से 0 से लेकर 9 तक हमारे सारे नंबर प्रिंट हो गए। यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने रेंज एक फंक्शन है जो हमारा नंबर जनरेट करता है, मैंने क्या किया 10 नंबर जनरेट किए। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी 0 से होती है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर हम कोई स्टार्टिंग नहीं देते हैं तो यहाँ पे मैंने 10 दिया है और 10 हमारी वैल्यू दी है, तो स्टार्टिंग हमारी 0 से होगी तो 9 पे जाके हमारी वैल्यू खत्म हो जाएंगी, टोटल हमारे पास 10 वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, इन दैट केस अगर आप चाहते हैं कि हम स्टार्टिंग पॉइंट भी देना है कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम यहाँ से 1 कॉमा लिख कर स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से 11
लिख देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा जाएगा 1 to 10। ओके यार, आप तो कहेंगे ऐसे तो हम वाइल लूप में तो कर सकते थे, हम फॉर लूप का यूज़ क्यों करें? ठीक है, बेसिकली फॉर लूप का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं। फॉर लूप का जो यूज़ होता है वो हमारा होता है लिस्ट में। फॉर एग्जांपल मेरे पास में लिस्ट 1 है, ठीक है, लिस्ट 1, और इसके अंदर कुछ आइटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आइटम है 12, 34, वट एवर, ठीक है, ये कुछ आइटम्स हैं। मैं चाहता हूँ कि इन आइटम्स को वन बाय वन प्रिंट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं फॉर आई इन लिस्ट 1, डायरेक्टली कर सकते हैं और दो स्पेस दे करके यहाँ पे प्रिंट कर देंगे आई को। तो हर बार आई के पास में उस इंडेक्स पे, आई के पास में 0 होगा, उस इंडेक्स पे जो हमारा वैल्यू होगी वो हमारे आई के पास में ऑटोमेटिकली पहुँच जाएगी, ठीक है, इंडेक्स 0 पे। उसके बाद में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा फिर से हमारे पास आई के पास में नई वैल्यू होगी, जो नेक्स्ट वैल्यू होगी, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगी। फिर आई के पास में 45 वैल्यू होगी, ये प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही ऑटोमेटिकली आई हमारा अलग अलग इंक्रीज होकर के अलग अलग वैल्यूज़ लेता रहेगा। ओके, तो इस प्रोग्राम का जो रिजल्ट होगा वो हमारा ये होगा कि लिस्ट 1 by 1 हर एक एलिमेंट एक नई लाइन में प्रिंट हो जाएगा। ओके, गॉट इट। जैसे हम लूप्स पढ़ते हैं तो एक और कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है। लेट्स से मेरे पास में एक लूप है, एक वेरिएबल है, पहले तो आई इक्वल टू 1, हम एक लूप चला रहे हैं यहाँ पे, वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, लूप के अंदर आए प्रिंट आई, ठीक है। तो अब जो बात करने वाले हैं वो दो कीवर्ड्स हैं, पहला हमारा है ब्रेक ब्रेक और दूसरा हमारा है कंटिन्यू, ठीक है। इन दोनों का यूज़ कहाँ कहाँ करना है वो हम दिखाएंगे। क्या होता है ना कि ब्रेक का यूज़ हम एक लूप को ब्रेक करने के लिए यानी लूप से बाहर जाने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन हमारी क्या करेगी, सबसे पहले हम आई को इंक्रीज भी करना होगा, आई प्लस 1, ठीक है, ओके। ये लाइन हमारी क्या करेगी, 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर प्रिंट कर देगी, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा 5 आए उसके बाद में हमारा प्रोग्राम चले ही ना, ठीक है, यहीं से प्रोग्राम हमारा एग्जिट कर जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ हमारा जो आई है वो इक्वल इक्वल है किसके, 5 के, ठीक है। तो इसके अंदर आएंगे, कैसे आएंगे, इफ़ के अंदर दो स्पेस दबा के, ठीक है, ब्रेक। अगर हमारा वैल्यू 5 है, आई के अंदर वैल्यू 5 आ गया, तो हमारा प्रोग्राम जो है, जो हमारा वाइल लूप है वो हमारा ब्रेक हो जाए, ठीक है। ब्रेक होकर वाइल लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो अब हम जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो 1 से लेकर 5 तक प्रिंट हो रही हैं, और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, ब्रेक, वहाँ से प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाता है। अगर हम ब्रेक की जगह पे कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो व्हाट इट डज़ मीन कि जैसे हमारा 5 आए, आई इक्वल टू 5 वैल्यू आ जाए, तो क्या करेंगे, कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब है कि हम प्रोग्राम को ब्रेक ना करेंगे, हम इस प्रोग्राम से कंटिन्यू स्टेटमेंट के बाद में यहाँ ना जाने की बजाय पे डायरेक्टली यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे यूज़ करनी है इसके ऊपर, कि जैसे हमारा आई में 5 आए तो हम ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को कंटिन्यू कर दें, ठीक है। हमें इंक्रीमेंट भी ऊपर करवाना पड़ेगा, डबल स्पेस। अच्छा, इंक्रीमेंट ऊपर क्यों करवाना पड़ा, क्योंकि अगर वंस हमारे हाथ में 5 आई में 5 आ जाता है तो हम लूप को कंटिन्यू करते रहते हैं, तो हमारा जो जैसे कंटिन्यू की वर्ड यूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली हमारी की जो कंडीशन है वो चेक हो जाती है फिर से यहाँ पे, और लूप के अंदर लगातार 5 ही रहता, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एक इनफाइनाइट स्टेट में चला जाता है कि लगातार भाई ये जो कंडीशन है ये ट्रू ही होती रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। अब हमने ऊपर लिख लिया तो हमारी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अब क्या होगा कि अगर हमारी आई के अंदर वैल्यू जब 5 आएगी तो ये कंटिन्यू कर देगा, कंटिन्यू मतलब ऐसे प्रिंट नहीं करेगा, उससे पहले कंटिन्यू कर देगा, प्रोग्राम हमारा वापस वापस इस पे पहुंच जाएगा, ठीक है, फिर से इंक्रीमेंट होगा और फिर ये प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 5 छोड़ करके बाकी सब कुछ प्रिंट होगा, ठीक है। मैंने प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4, आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। आई थिंक आई फॉरगेट टू शेव इट, कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी, ओके, कंट्रोल सी इज़ वर्किंग, शेव किया फिर से और रन किया, यहाँ पे हमारी एरर आ गई, आइडेंटिफिकेशन एरर। कहाँ से आई है,
क्योंकि हमने जो आई वेरिएबल है वो अलग से यूज़ कर लिया, थोड़ा अलग आइडेंट किया था उससे। ओके फिर से करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 से लेकर के 11 तक सारी वैल्यूज़ प्रिंट हुई, लेकिन हमारा 5 जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, और 2 से क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारा वैल्यू जो हमारी स्टार्ट थी 1 पहले से थी यहाँ पे, और इंक्रीज़ हो गई। जब स्टार्ट से 0 से करेंगे तो हमारे 1 से लेकर वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ओके सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक एंड पाइथन। ब्रेक हमारे प्रोग्राम को, हमारे लूप को ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कंटिन्यू हमारे लूप को कंटिन्यू रखने के लिए। जैसे हमारा कंटिन्यू यूज़ होगा ये ऑटोमेटिकली इस लूप की कंडीशन पर चला जाएगा। ठीक है, उसके नीचे जो भी लिखा हुआ है उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब इसे हटाते हैं और हमारे कमांड लाइन को भी क्लियर कर लेते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं फंक्शंस की, मेथड्स हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसका मतलब क्या है, फंक्शंस का मतलब क्या है। ठीक है, अगर हमें कोई सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड बार बार रन करना है, ठीक है, या फिर हम चाहते हैं कि एक कोड हमारे पास में है और वो बार बार हमें प्रोग्राम में हमें यूज़ करना है, तो हम उसे बार बार अलग अलग जगह पे लिखने की जगह पे एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, उस फंक्शन में वो लाइंस लिख देते हैं कोड की, और जितनी बार हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे ऑटोमेटिकली वो हमारी लाइनें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारा जो कोड है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत शॉर्ट हो जाता है अगर हम कोई बड़ा प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, और हमारी जो रीडेबिलिटी है कोड की, जिससे हम प्रॉपरली रीड कर सके, वो हमारी बढ़ जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट फंक्शंस। फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम एक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, def। ठीक है, और इसके बाद में फंक्शन का नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया शो, डबल कॉलम लगाएंगे, और इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, डबल स्पेस दे करके। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा फंक्शन क्या करता है, यहाँ पर लिखता है शो कॉल्ड। ठीक है, एक दो लाइनें और लिख देते हैं एग्जांपल के लिए। मैंने लिखा यहाँ पे प्रोग्राम इज रनिंग। ठीक है, ट्रिपल एन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये तो हमारा हुआ डिक्लेरेशन। ठीक है, इतना करने के बाद में अगर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा कोई आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक हमारे फंक्शन को सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, रन आई मीन कॉल नहीं किया गया। ठीक है, कॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट लिखना है शो। ठीक है, जहाँ जहाँ हम शो यूज़ करेंगे वहाँ वहाँ हमारा ये प्रोग्राम ऑटोमेटिकली, सॉरी ये फंक्शन मेथड कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, शो कॉल्ड, प्रोग्राम इज़ रनिंग। ठीक है, अगर हम एक बार और शो को कॉल कर देंगे तो जो हमारा कोड है वो फिर से रन हो जाएगा, शो कॉल्ड प्रोग्राम इज़ रनिंग, फिर से हो जाएगा शो कॉल्ड प्रोग्राम इज़ रनिंग। ओके, तो ऐसे हम एक ब्लॉक ऑफ कोड बार बार यूज़ कर सकते हैं बाई उसके फंक्शन के नेम को कॉल कर करके, जिससे हमारी जो कोड की रीडेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है, और ऊपर से हमें लाइन्स ऑफ कोड कम लिखना पड़ता है। तो अगर हमें इस जो हमारा ये मेथड है, अगर हमें यहाँ पे प्रॉपर कोई आर्गूमेंट इसके अंदर सेंड कर रहा हो, जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे यार इस शो फंक्शन के अंदर 5 प्रिंट हो, ठीक है, इस शो फंक्शन के अंदर हमारा 7 प्रिंट हो, तो हम क्या करते हैं कि इन आर्गूमेंट्स को हम यहाँ पे किसी वेरिएबल में रिसीव कर लेते हैं इस फंक्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया एन, ठीक है, और इसके अंदर एक वैल्यू, एक सिंपल लाइन प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट नंबर इक्वल टू द एन। ठीक है, हमारा ये नंबर इसके साथ में कंकेटनेट हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। नाउ अब इसे रन करते हैं, ठीक है, पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई, और जैसे हम एंटर करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी नंबर इक्वल टू 5 एंड नंबर इक्वल टू 7। तो दिस इज हाउ वी कैन सेंड पास सम आर्गूमेंट्स इन आवर फंक्शन। ऐसा नहीं है कि एक ही आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, आप जितने भी आर्गूमेंट्स पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोग्राम बनाया, एक फंक्शन बनाया एड, जो हमारा 2 नंबर लेता है, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रिंट करता है एडिशन, या एड इक्वल टू कॉमा एन 1 प्लस एन 2। ओके, और सेम यहाँ पे कर रहा है, हमारा एक अलग फंक्शन है जो हमारा है सब, जो वी सेम एन 1 एन 2 नाम के दो वेरिएबल रिसीव करता है, और उसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सब इक्वल टू कॉमा एन 1 माइनस एन 2। ठीक है, अब वन बाई वन दोनों फंक्शन को कॉल करेंगे, वन बाई वन एड मैंने कॉल किया, इसमें पास किया 12 12,
और सब्ट्रैक्शन कॉल किया, इसके अंदर मैंने पास किया 12 12, अगेन पास कर दिया, ठीक है। तो ये जैसे फंक्शन कॉल करेंगे, ये 12 12 हमारा पहुंच जाएगा इस n1 के पास में, इस n2 के पास में, और बाद में जो भी मैंने इसके अंदर स्टेटमेंट लिखी है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। पहले एड प्रिंट होगा एज अ स्ट्रिंग, उसके बाद में एक कंकेटिनेट होगा n1 + n2। n1 हमारा क्या है, इंटीजर, n2 हमारा क्या है, वो भी एक इंटीजर, ठीक है। 12 12 दोनों मिलके हमारे हो जाएंगे 24, और 24 हमारा प्रिंट हो जाएगा एड के आगे, ओके। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आंसर आ गया 24 and 0। अगर हम 12 12 को प्लस करते हैं तो 24, अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो 0। नाउ एक और चीज़ कि हम यहाँ पे प्रिंट कराने की जगह पे रिटर्न भी कर सकते हैं, रिटर्न n1 + n2। ये क्या रिटर्न करेगा यार, कि जैसे ही फंक्शन कॉल हो वो हमारा रिटर्न कर देगा n1 + n2। रिटर्न कैसे करेगा, इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तुम क्या करना पड़ेगा, इसे एक वेरिएबल के अंदर रिसीव करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया एडिशन इक्वल टू, तो हमारे क्या हो रहा है, एडिशन एक वेरिएबल है, जो वैल्यू यहाँ से हम रिटर्न करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक ले लिया सब ट्रैक्शन इक्वल टू सब 12 - 12, ठीक है, 12, 12। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑटोमेटिकली हमारे सब्ट्रैक्शन के अंदर चला जाएगा, ओके। हम ये 12 12 वैल्यू यूज़र से लेकर के भी यहाँ पे उसके उसके वेरिएबल नेम पास कर सकते थे, ठीक है, आप कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस प्रॉब्लम की अगर बात करें तो हमें नीचे एडिशन और दोनों प्रिंट कराने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया एडिशन, ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो हमारा एडिशन प्रिंट हो जाएगा सब इक्वल टू 0, क्योंकि सब के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। n1 - n2 ने पास किया वो आ जाएगा 12 12, 12 - 12 0, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट भी कर दिया है। और ये फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, रिटर्न। एक्चुअली हमें इस फंक्शन को रिटर्न करवाना था, जल्दबाजी में भूल गए, रिटर्न n1 - n2, ठीक है। ऐसे कॉल करेंगे तो हमारा खाली आंसर आएगा 24। अगर हम सब्ट्रैक्शन को भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, लिखेंगे प्रिंट सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सेव किया और रन किया तो हमारा जाएगा 0, ठीक। नाउ इन दैट केस अगर हमारे पास में कोई वैल्यू नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया def, एंड जो हमारा क्या करता है, रिसीव करता है सेक्स, वो वाला सेक्स नहीं, ठीक है, एक्चुअली जेंडर, ठीक है, यहाँ रिसीव करता है जेंडर। एक मेथड पहले नाम बना लेते हैं फंक्शन का, गेट जेंडर, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर हमारा जो जेंडर है वो है, यानी सेक्स है वो है हमारा इक्वल टू एम, तो यहाँ करेंगे प्रिंट यू आर मेल, ठीक, एल्स एल्स, यहाँ मैं लिखा एलिफ सेक्स इक्वल टू एफ, तो यहाँ पे क्या हो जाए, प्रिंट यू आर फीमेल, ओके। नाउ अगर इसके अलावा हमारे पास में कोई और वैल्यू आती है तो वो हमारी काम चल जाएगी एल्स के अंदर, राइट, एल्स। और यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा लिया सेक्स व्हाटएवर, ठीक, सेक्स की वैल्यू भी हमारे इसका यहाँ पे इसके पास में आ जाएगी, ओके। अब हम बात करते हैं यार, अगर मैंने यहाँ पे एक मेथड, इस मेथड को कॉल करते हैं गेट जेंडर, ठीक है, यहाँ पे मैंने एम पास कर दिया, तुम्हारा रिजल्ट कितना आ गया, यू आर मेल। एफ पास करेंगे तो यू आर फीमेल, अगर हम कुछ और पास कर दिया तो आंसर हमारा आ जाएगा ए, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई है ए, ठीक है। और अगर हम कुछ भी पास ना करें तो क्या, तुम्हारी एक एरर आ जा रही है कि भाई वो एक आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है और आप एक भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं ना, कि इस
इसको एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देते हैं कि हमारी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमारी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू ले लो, मैंने इसको दे दी अननोन। तो अगर यूज़र यहाँ से कुछ भी पास नहीं कर रहा है तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी अननोन। ठीक है, अब देखते हैं प्रोग्राम को रन करके। यहाँ पे आ गया अननोन। अगर हम विदाउट किसी आर्गूमेंट किसी कॉल करेंगे, यहाँ पे आर्गूमेंट रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू पहले उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा देंगे। अगर बाई चांस हमारा आर्गूमेंट नहीं दे रहा है तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसे भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं चाहता हूँ यार कि एक फंक्शन ऐसा बनाएं, ठीक है, जिसमें हम कितने भी आर्गूमेंट सेंड करें और उसमें हम अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड, ओके, इसके अंदर मैं कुछ परफॉर्म करवाऊंगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि इसकी कॉलिंग कैसे होगी। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ऐड टू करवाऊँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली टू और थ्री को ऐड कर दे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तीन आर्गुमेंट पास करूँ, लाइक 4 3 1, 4 3 2 या 2 3, वट एवर, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इन तीनों का एडिशन हमें रिटर्न कर दे। हमें एक से ज़्यादा फंक्शन बनाने की ज़रूरत ना पड़े, मतलब हमारा जो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स है वो इंडिपेंडेंट है, कितने भी आर्गूमेंट्स एक यूज़र सेंड कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा फंक्शन बनाने के लिए, अपने फंक्शन के अंदर गए और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे रिसीव करते थे कि n1 आ रहा है भाई, n2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक args को रिसीव करेंगे। ठीक है, ये एस्ट्रिक हमारा किसी भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सकता है। args यहाँ पे एक लिस्ट समझ लीजिए। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, इन सब का टोटल। तो मैंने एक टोटल ले लिया, टोटल इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है कि लिस्ट के अंदर हम लूप कैसे चलाते हैं, फॉर ए इन या फिर फॉर आइटम इन आर्स, हमारे लिस्ट का नेम, ठीक है, उसके अंदर आएंगे और उसको डाल देंगे टोटल के अंदर, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस ए। ठीक है, और जब हमारा टोटल हो जाए उसके बाद में ये प्रिंट कर दे टोटल को, प्रिंट एडिशन इक्वल टू कॉमा टोटल। ओके, फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ से ये फंक्शन कॉल होगा 2 एंड 3, इन दोनों वैल्यूज़ को हम एक लिस्ट के अंदर रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ये एस्ट्रिक हमारी दर्शाता है इंडिपेंडेंस ऑफ द नंबर्स, ठीक है, कितने नंबर्स एक्सेप्ट कर सकता है। और यहाँ पे टोटल एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर वैल्यू डाली 0। अब क्या करेंगे कि हम जो हमारा आर्स के अंदर आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम 2 एंड 3 हैं, यहाँ पे सबसे पहले ए के पास 2 होगा, राइट, क्योंकि आर्स हमारी पहली वैल्यू क्या है, 2। और टोटल के अंदर हम क्या डाल देंगे, टोटल प्लस ए, मतलब टोटल की वैल्यू है 0 और ए की वैल्यू हमारी कितनी है, 2। तो 0 प्लस 2 हमारा आ जाएगा टोटल के अंदर 2। फिर नेक्स्ट जाएंगे लूप के ऊपर हम, एंड इस बार ए के पास हमारी वैल्यू कितनी होगी, 3, और टोटल के पास वैल्यू कितनी है, 2। तो 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ऐसे हम सारा एडिशन निकाल के फॉर लूप के थ्रू इस टोटल वेरिएबल के अंदर डालेंगे और बाद में उस टोटल वेरिएबल को प्रिंट कर लेंगे। वेरी सिंपल। नाउ लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ओके, पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई अनोन, क्योंकि हमने शायद इसे शेव नहीं किया है। ओके एंड नाउ, तो जो हमारे पहले नंबर है 2 एंड 3, उसका एडिशन हमारे पास में आ गया 5 और सेकेंड नंबर हमारा आ गया 109। ठीक है, अगर हम और एक दो मेथड्स और एक दो ऐसे कॉल करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने 12 12 12 12, द आंसर शुड बी 48। लेट्स सी, तुम्हारा आंसर आ गया 48। ओके, सो इस वजह से हम कितने आर्गूमेंट्स को सेंड कर सकते हैं हमारे एक फंक्शन के अंदर, बस सामने हमें रिसीव करना है एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, और ये हमारा रिसीव करना चाहिए। यहाँ पे एस्ट्रिक इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ द आर्गूमेंट्स हमारे पास में आ रहा है। ठीक है, हमारे पास में कोई लिमिटेड आर्गूमेंट्स नहीं है, हम कितने आर्गूमेंट्स सेंड कर सकते हैं। ओके, लेट्स रिमूव इट। वेल वेल वेल, अब हम बात करते हैं सेट्स की। व्हाट इज सेट्स, ऐसे लिखा जाता है SETS, सेट्स। ओके, व्हाट इज सेट्स, अभी तक हमने लिस्ट देखा था कि लिस्ट को हम कैसे बनाते हैं। मैंने बनाया लिस्ट 1 इक्वल टू, इसके अंदर आइटम डाल दिए 5 4 वट एवर, राइट, एंड 4 3,
मैंने सिर्फ प्रिंट किया लिस्ट वन को, तुम्हारा जो आउटपुट था वो आ रहा था सेम जो हमने एक लिस्ट क्रिएट की है वही हमारा प्रिंट आउट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं जो डबल हैं, 43 एंड 43। हम इन डबल वैल्यूज़ को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। हमें तो सेट्स कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें एक लिस्ट के अंदर डबल वैल्यूज़ नहीं चाहिए होती हैं, ठीक है। क्या करेंगे, इसका नाम सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज कर देंगे, जहाँ हम लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं इसे कर्ली ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम इस लिस्ट वन को प्रिंट करेंगे तो हमारे जो डबल वैल्यूज़ हैं 43 वो हमारी सिर्फ एक ही बार प्रिंट होगी, बार बार प्रिंट नहीं होगी, ओके। तो अगर हमें अपनी लिस्ट के अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए तो हम उसकी जगह पे सेट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम सेट्स की बात कर ही रहे हैं तो एक और चीज़ होती है डिक्शनरी से बोलते हैं हम, ठीक है। मैंने एक डिक्शनरी बनाई, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक डिक्शनरी है क्लासमेट्स, ओके। सो डिक्शनरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, पहली होती है हमारी वैल्यू, सॉरी पहली होती है हमारी की, सेकंड होती है हमारी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो चीज़ें, तो जैसे कि हमारे पास में लिस्ट के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ थी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में कीज़ और वैल्यूज़ होंगी और हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक की होगी, ठीक है। तो डिक्लेयर कैसे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने की बनाई टोनी, ओके। ये मेरा क्लासमेट है, एक्चुअली मेरा क्लासमेट नहीं, मतलब क्लासमेट्स लिस्ट के अंदर है, डिक्शनरी के अंदर है, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम डिफाइन करेंगे डबल कॉलम लगा करके और इसकी कोई सी एक वैल्यू दे देंगे, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया स्मार्ट बट स्मेल्स, ओके। तो ये क्या है, हमारी टोनी एक की है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है, कॉमा लगाया। एक और एंट्री मैंने इसमें की, सेकेंड मेरा क्लासमेट मान लिया है एमा, ठीक है। और यहाँ पे उसकी वैल्यू हमने दे दी सिट्स बिहाइंड मी, ओके। हर इंसान की एक स्पेसिफिकेशन है जो उसकी की के थ्रू हम उसे फेच कर सकते हैं, जैसे हम कितनी भी एंट्रीज और इसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक कर लिया नेक्स्ट एंट्री मैंने ले ली फ्रांसिस, ओके। इसे को वैल्यू दे देते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रांसिस इज माय क्लासमेट इन रियलिटी एंड अच्छी बात कर, पता क्या फ्रांसिस में कि चिलसी इज इन हिज ब्लड, ओके। एंड सो यहाँ पे हमने क्या किया है, तीन कीज़ हैं, तीन उन कीज़ की वैल्यूज़ हैं। हम अगर वन बाई वन किसी एक की वैल्यू को फैच करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे देखना है कि टोनी कैसा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लासमेट्स, सॉरी प्रिंट क्लासमेट्स, ओके। और इसके अंदर पास करेंगे हम टोनी, दैट्स ऑल, रन करते हैं। तो ये कह रहा है क्या भाई कर क्या रहे हो, एक्चुअली वर्ड्स रॉन्ग हेयर इज दीज ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे ना कि स्मॉल ब्रैकेट्स, ओके। अब रन करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा स्मार्ट बट स्मेल्स, ठीक है। ऐसे हम किसी भी की वैल्यू को फैच कर सकते हैं बाई प्रिंट, एंड मैंने यहाँ पे लिखा क्लासमेट्स, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए फ्रांसिस के बारे में, ठीक है। तो मैंने फ्रांसिस लिखा यहाँ पे और इसे प्रिंट करवाया तो लिखा आएगा जिलसी इज़ इन हिज ब्लड, ओके। तो डिक्शनरी का यूज़ हम कर सकते हैं जहाँ हमें हर एक पर्टिकुलर वैल्यू की एक की बनानी है जिससे हम उस पूरी वैल्यू को फैच कर सकें, ओके। अगर आपको एक क्या कहते हैं इससे की और वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट करानी है फॉर लूप का यूज़ करके, जैसे कि हम लिस्ट के आइटम्स को प्रिंट कराते हैं, तो बेसिकली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ओके फॉर लूप, ले लेंगे दो वैल्यू ले लेंगे, मैंने लिया आई जे, या फिर मैंने ले लिया के फॉर की के, या फिर वी के फॉर की एंड वी फॉर वैल्यू इन क्लासमेट्स, ओके प्रिंट के प्लस सम स्पेस हियर एंड वी, राइट।
अब इसे प्रिंट कर देते हैं, तो यहाँ पे एक एरर आ गई है, वो कह रहा है कि आप ऐसे नहीं कर सकते। एक्चुअली व्हाट वी आर लेफ्टिंग हेयर इज डॉट आइटम्स, ठीक है, के और वी हमारे क्लासमेट के आइटम्स हैं, तो यहाँ पे हम डॉट आइटम्स का यूज़ करेंगे। ओके, और आइटम्स एक मेथड है, तो इसके आगे हम लिखेंगे पैरेंथेसिस। अब से रन करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आ गई टोनी स्मार्ट बट स्मेल्स, एमा सिट्स बिहाइंड मी, फ्रांसिस जिलसी इज इन हिज ब्लड। ओके, तो ऐसे इसको प्रिंट भी कर सकते हैं हर एक की को एंड उसकी वैल्यू को, अगर आपको किसी की से किसी वैल्यू को फैच करना है, तो वो भी हमने अभी करके देखा था, राइट। तो आपको पता है कि कैसे हम एक फंक्शन बनाते हैं, कैसे हम डिक्शनरी बनाते हैं, कैसे हम सेट्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, इंटीजर टाइप इनपुट कैसे लेते हैं, और डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो ये सारी हमने बेसिक चीज़ें अभी तक देखी हैं। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की। बेसिकली मॉड्यूल्स क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक फंक्शन है, ठीक है, हम उस फंक्शन को क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, क्योंकि बार बार उस फंक्शन को उसी प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं उसी फंक्शन को किसी और प्रोग्राम में यूज़ करना चाहता हूँ, समझ रहे हैं ना बात के लिए, तो क्या मुझे उस फाइल के अंदर भी, उस पाइथन फाइल के अंदर भी उस फंक्शन को फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा, या फिर जो फाइल हमने पहले बनाई है सिर्फ उसी को इम्पोर्ट करके हमारी नई वाली प्रोग्राम फाइल में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तो आंसर इज़ येस, हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी फाइल को किसी और फाइल के अंदर, ठीक है, उसके किसी फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। कैसे बनाते हैं अभी देखेंगे, उससे पहले हम कुछ बिल्ट इन फंक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मुझे किसी नंबर का पावर निकालना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार 2 की पावर 10 कितनी होती है मुझे पता लग जाए, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन है जिसमें पहले एक फंक्शन है, उसके लिए एक मॉड्यूल है जिसमें इंपोर्ट करेंगे, मॉड्यूल हमारा है मैथ, ओके, और मैथ इंपोर्ट करने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे एक वेरिएबल का नेम, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वैल्यू इक्वल टू मैथ डॉट पी ओ डब्ल्यू पावर, इसके अंदर 2 वैल्यूज पास करते हैं हम, मैंने फर्स्ट कर दी 2, सेकेंड कर दी 10, 2 इज़ द वैल्यू और 10 उसकी यहाँ पर पावर है, ठीक है। इस वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे वैल्यू, तो आंसर आ गया 1024, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और उस मॉड्यूल के अंदर एक मेथड है POW, उसे हमने कॉल किया, ठीक है, और वो 2 आर्गुमेंट हमारा फंक्शन लेता है 2 और 10, कोई से आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, और ये हमें रिटर्न करता है उसकी वैल्यू, और वैल्यू हमारी कहाँ रिटर्न होकर जाएगी, इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर। तो अगर हमें ऐसा कोई मेथड बनाना है, ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे, लेट्स से हमें एक फंक्शन बनाना है ऐड, ऐड नाम का, जो हमारा 2 नंबर एक्सेप्ट करता हो या फिर 3-4 नंबर एक्सेप्ट करता हो, जैसे इन्होंने भी देखे थे कि हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट सेंड कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, जस्ट अभी 5-10 मिनट पहले देखा था, तो वो कितने नंबर एक्सेप्ट करता हो और उनका एडिशन हमें रिटर्न करता हो, ठीक है। तो ऐसा एक हमें मॉड्यूल बनाना है, तो मॉड्यूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक नई फाइल ओपन कर ली मैंने कंट्रोल एन से, उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया डेफ, फंक्शन का नेम मैंने कर दिया ऐड, ठीक है, जो हमारा कितने भी नंबर्स रिसीव कर सकता है, मैंने लिया ARGS एस्ट्रिक, ARGS मतलब एस्ट्रिक मतलब कितने भी आर्गूमेंट्स यहाँ पर आ सकते हैं, और इसके अंदर क्या किया टोटल को डिफाइन कर दिया 0 से, राइट, अभी ऐसे तो किया था, एंड फिर एक लूप चलाया फॉर आई इन टोटल, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आई, ओके, जैसे हमारा आई के अंदर सारी वैल्यूज 1 बाय 1 टोटल के साथ में प्लस होती जाएंगी और टोटल के अंदर स्टोर होती जाएंगी, ठीक है। इन लास्ट मैंने यहाँ पे क्या किया रिटर्न कर दिया, रिटर्न क्या किया हमारा टोटल, ठीक है, ये एक बेसिक फंक्शन है, मैंने इसे शेव कर दिया, उसका नाम रख दिया my module.py, ठीक है, डेस्कटॉप पर शेव कर दिया my module नाम से, और इसे शेव कर दिया, ओके 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 डेस्कटॉप, ओके। अब वापस आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर, ये रहा मेरा प्रोग्राम, यहाँ पे हम प्रोग्राम में कैसे किसी और प्रोग्राम में अपने इस my module को यूज़ करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे import my module,
ठीक है। अब इसके सारे फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं इस माई मॉड्यूल के थ्रू, क्योंकि हमने इसे इम्पोर्ट कर लिया है हमारे मेन प्रोग्राम के अंदर। तो अब जहाँ जहाँ भी हमें किसी एडिशन, किसी नंबर का एडिशन करना है, तो हम इस माई मॉड्यूल के ऐड मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस वाले मेथड के लिए। कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में एक नंबर है 34, 43, इन सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया आंसर, आंसर राइट। यहाँ मैं यूज़ करूँगा माई मॉड्यूल डॉट ऐड, और इसके अंदर कितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स मैंने किया, 23, 43, वट एवर, पास कर दिया, ठीक है, और आंसर को प्रिंट करवा लिया। रन करवाया तो हमारी एरर आ गई, एक छोटी सी गलती की है, यहाँ पे हमने लिखा फॉर आई इन टोटल। सीरियसली, हमें लिस्ट के अंदर चलाना है जो हमने आर्गूमेंट्स रिसीव किए हैं, तो यहाँ पे ARGS आएगा। सेव इट एंड अगेन रन इट। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया 78। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यूज पास की थी, इनका टोटल का सम आ रहा है हमारे पास में 78। ऐसे हम कितनी बार इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने एक और आंसर में वैल्यू चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे लिखा माई मॉड्यूल डॉट ऐड 34, 55, 23, या फिर 12, या 2, वट एवर, ठीक है। फिर से आंसर को प्रिंट करवाया, शेव किया, प्रिंट किया, तो हमारा वन पहले आंसर आया हमारा 78, सेकेंड आया हमारा 132। ओके, तो ऐसे हम कितने नंबर सेंड कर सकते हैं। हाँ, एक और बात कि यार बार बार माई मॉड्यूल लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। अगर हमें किसी मॉड्यूल का स्पेसिफिक मेथड को इंपोर्ट करवाना है, ना कि पूरे मॉड्यूल के सारे फंक्शंस को, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम माई मॉड्यूल इम्पोर्ट ऐड। व्हाट डज इट मीन कि माई मॉड्यूल के अंदर से सिर्फ और सिर्फ ऐड मेथड को इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो हमें हर जगह पे यहाँ पे माई मॉड्यूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम डायरेक्टली ऐड का यूज़ कर सकते हैं और आंसर सेम रहेगा। तो ऐसे में हमारे जो माई मॉड्यूल के अंदर अगर और भी मेथड्स हैं तो सारे इम्पोर्ट नहीं होंगे, सिर्फ एक स्पेसिफिक मेथड इम्पोर्ट होगा, ठीक है। तो हमें माई मॉड्यूल डॉट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम उसको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई मॉड्यूल ऐसे इम्पोर्ट किया हुआ दिखे, सो डोंट पैनिक, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की। तो सारे प्रोग्राम को यहाँ से हटा देते हैं, मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी। नाउ, फाइल हैंडलिंग में क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम के थ्रू किसी भी फाइल के अंदर लिख सकते हैं और वहाँ से रीड भी कर सकते हैं। तो किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद उसे रीड करना सीखेंगे, ठीक है। तो लिखने के लिए हम कुछ नहीं करना है, जस्ट कोई वेरिएबल मैंने ले लिया एफ, ठीक है, और एक मेथड है ओपन जो हमारा दो आर्गूमेंट्स रिसीव करता है, दो आर्गूमेंट। फर्स्ट आर्गूमेंट हम पास करते हैं फाइल का नेम जो हम क्रिएट करना चाहते हैं, और सेकेंड आर्गूमेंट पास करते हैं मोड, ठीक है। देखते हैं फाइल का, फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम दे दिया न्यू टेक्स्ट डॉट txt, एंड मोड मैंने दे दिया क्योंकि मैं राइट करना चाहता हूँ, तो मैंने दे दिया W। ओके, अगर यहाँ पे हम R यूज़ करते हैं, इसका मतलब है रीड कर रहे हैं फाइल से। अगर यहाँ पे हम RA यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो A का मतलब है अपेंड कर रहे हैं, मतलब जो पहले से फाइल में लिखा होगा वो हमारा नहीं हटेगा, उसकी जगह पे उसके नीचे ही हमारा जो और राइट किया है हमने वो अपेंड हो जाएगा। उसके अलावा R+ यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि रीड और राइट दोनों मोड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे W, ये क्या करेगा कि फाइल को ओपन करेगा अगर वो बनी हुई है, अगर वो नहीं क्रिएट है तो ये फिर से उसे क्रिएट करेगा, और उस नई फाइल क्रिएट करके उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ लिखेंगे। लिखने के लिए यूज़ करते हैं f.write। अभी हम जो भी लिखेंगे वो हमारा फाइल के अंदर लिख जाएगा। मैंने लिखा दिस इज़ अ पैराग्राफ टू बी रिटन इनटू फाइल, ओके, और उसके बाद में हम इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक फाइल को ओपन किया न्यू टेक्स्ट डॉट txt। अगर ये फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसे ओपन कर देगा, अगर ये फाइल नहीं है हमारे पास में तो ये ऑटोमेटिकली उसे क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद उस फाइल के अंदर हमने एक पैराग्राफ लिखा, दिस इज अ पैराग्राफ टू बी रिटन इनटू फाइल, ठीक है, और उसके बाद में उस फाइल को हमने क्लोज कर दिया, वेरी सिंपल। चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। मैंने इसे एक और रन किया यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम, पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं CLS एंड ओके।
मैंने यहाँ पे से रन किया पाइथन प्रोग्राम डॉट पी वाई, कुछ लिख किया यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि हमारा क्या हुआ है, एक फाइल ओपन हुई है, क्रिएट हुई है, उसके बाद उसके अंदर ये पैराग्राफ लिखा गया है, फाइल का नेम होगा न्यू टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया हमने, कुछ प्रिंट तो किया ही नहीं है। तो यहाँ हमारी एक फाइल क्रिएट हो गई है न्यू टेक्स्ट, जिसके अंदर वो पैराग्राफ लिखा गया है जो हमने वहाँ पे लिखा था। ओके हम कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इसे एडिट कर सकते हैं, एडिटेड आफ्टर, ठीक है। नाउ ये तो हमने किया था राइट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे न्यू लाइन चाहिए तो हम वैसे यूज़ कर सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश एन, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे दिस इज समथिंग न्यू, ओके। मैंने प्रोग्राम को रन किया और वापस गए, इस फाइल के ऊपर और मैंने से ओपन किया, तो यहाँ पे जो दिस इज़ समथिंग न्यू है ये हमारा न्यू लाइन के अंदर आ गया, ठीक है। ऐसे अगर हमें लाइन बाय लाइन लिखना है तो हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा एफ डॉट राइट लाइन, और इसके अंदर हम लिखेंगे हेलो एवरी वन, एफ डॉट राइट लाइन, दिस इज अ न्यू लाइन, ओके। प्रोग्राम को रन किया तो हमारी एरर आ गई, कह रहा राइट लाइन में कोई फंक्शन ही नहीं है, आप कहाँ से यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली देर इज़ नो राइट लाइन फंक्शन। तो आई थिंक जो हमारा फंक्शन है वो हमारा राइट लाइन्स है, ना कि राइट लाइन, तो वी कैन यूज़ हियर राइट लाइन्स, ठीक है। इसे हटा देते हैं यहाँ से, मैंने कॉमा देके एक और लाइन को यहाँ पास किया, अनदर लाइन, ठीक है, वन मोर लाइन, और ये लाइन को हम पास करेंगे एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। ओके ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो राइट लाइन्स मेथड है ये हमारा एक लिस्ट को रिसीव करता है, ठीक है, एक लाइन्स की लिस्ट को रिसीव करता है और वन बाय वन इन सब लाइन्स को वो फाइल के अंदर राइट कर देगा न्यू लाइन के अंदर। ओके तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम, तो ये भी दिक्कत दे रहा है, ठीक है। एंड ओके तो यहाँ पे जो हमारा लाइन्स का एल है वो स्मॉल रहेगा, जावा पढ़ते पढ़ते जावा का सिंटैक्स याद रह जाता है। ओके मैंने इसे ओपन किया तो यहाँ का दिस इज़ अ न्यू लाइन, अनदर लाइन, मोर लाइन, तो यहाँ पे ये हर बार एक नई लाइन के अंदर ऐड नहीं कर रहा है, तो न्यू लाइन के अंदर ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही हमेशा की तरह स्लैश बैक स्लैश एन, ठीक है, बैक स्लैश एन, उस प्रोग्राम को हम रन करेंगे और अपने डेस्कटॉप पर आएंगे। ओके तो हमारा जो राइट लाइन्स मेथड है वो कुछ नहीं कर रहा है, जो टेक्स्ट फाइल के अंदर जो उसकी लिस्ट के अंदर हमें लाइन्स दी हैं वो उसको सिर्फ राइट कर रहा है, ठीक है, उस लाइन को राइट कर रहा है, लेकिन वो न्यू लाइन ऑटोमेटिकली नहीं लेता है। ओके लेट्स ओपन आवर प्रोग्राम एंड कमांड प्रॉम्प्ट हियर, ये था हमने जब हमने राइट किया फाइल के अंदर। नेक्स्ट थिंग आती है कि फाइल से रीड करना है भाई, ठीक है। तो सेम हमारा है फाइल, मैंने ले लिया या फिर मैंने एफ ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसे ओपन किया, कैसे ओपन करेंगे, पहले फाइल का नेम मैंने दिया न्यू टेक्स्ट डॉट टी एक्स टी, फाइल का नेम था। इस बार जो हमारा मोड होगा ओपन करने का वो होगा आर, मतलब रीड मोड, रीड कर सकते हैं हम, एप डॉट रीड मैंने किया यहाँ पे और इसे प्रिंट करवा लिया, और प्रिंट करवाने के बाद में एफ को क्लोज कर दिया। ओके सो रन किया तो यहाँ पर लिखा दिस इज अ लाइन, अनदर लाइन, वन मोर लाइन, ठीक है। तो ऐसे हम रीड कर सकते हैं पूरा टेक्स्ट, हमारी एंटायर फाइल का जितने टेक्स्ट होगा वो सारा प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें सिर्फ एक लाइन को प्रिंट करना तो मैं यहाँ लिखूँगा रीड लाइन, और यहाँ पे सिर्फ एक लाइन का आउटपुट आएगा, दिस इज़ अ न्यू लाइन, जो हमारी फर्स्ट लाइन थी, ठीक है। अगर मैं इसे फिर से यूज़ करता हूँ रीड लाइन, तो इस बार हमारे में जो दूसरी लाइन है अनदर लाइन वो हमारी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे हम कितनी लाइन्स को प्रिंट करा सकते हैं, या फिर से हम लूप में यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा फॉर लाइन्स इन
यहाँ लिखेंगे फॉर लाइन इन एफ प्रिंट लाइन, राइट। तो हमारा यहाँ पे जितनी लाइनें होंगी वन बाय वन प्रिंट हो जाएंगी, दिस इज अ न्यू लाइन, अनदर लाइन, वन मोर लाइन, ठीक है। तो ऐसे हम फाइल के अंदर से रीड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है यार कि जब भी हम फाइल को क्रिएट कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो वो शुरू से लेकर एंड तक एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जब भी राइट करें इसके बाद में लिखा जाए, ठीक है, इस पूरे को हटा के सब चीज़ें ना लिखी जाएँ। तो ऐसा करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर हमने लिखा था एफ़ डॉट ओपन, इसके अंदर यहाँ पे फाइल का नेम दिया था, ठीक है, और कॉमा देकर यहाँ पे मोड दिया था W, इसकी जगह पे हम A लिख देंगे, तो हमारा जो अपेंड मोड ओपन हो जाएगा, जिससे हम फाइल को राइट करेंगे, जो पहले का टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हमारा रिमूव नहीं होगा उस फाइल के अंदर से, उसके आगे ही हमारा अपेंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसे मैंने क्लोज कर दिया एंड इसे क्लोज कर दिया, लेट्स क्लियर द स्क्रीन CLS। ओके अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो बेसिकली दो टाइप की एरर हमारे पास में होती है, पहले आती है सिंटैक्स एरर, जैसे जो एरर हमारी कंपाइलेशन टाइम की आती है, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है, ठीक है, कंपाइल होता है, तब हमारी अगर एरर आती है तो वो हमारी क्या होती है, सिंटैक्स एरर, आपको पता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर प्रिंट की जगह प्रिंट एफ कर दिया, ठीक है, जो हमारा प्रिंट कर रहा है हेलो, उसे रन करते हैं तो ये जो एरर आई है हमारी सिंटैक्स एरर है, ठीक है। इन दैट केस अगर दूसरी टाइप की एरर होती है एक्सेप्शन, ठीक है, वैसी एरर तब आती हैं जब हमारा यूज़र इडियट होता है, ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम का जो यूज़र है उसका दिमाग फिर गया होता है, ठीक है, यहाँ वो खाली फालतू टाइम पे बैठा है। जैसे कि मैंने उसे कहा कि भाई नंबर मैंने इसे इनपुट करवाया इंट, इंट के अंदर हम लिखते हैं इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है, मुझे इस नंबर पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। फॉर एग्जांपल हमें करना है नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू, मुझे इस नंबर के अंदर नंबर प्लस टू ऐड करना है, बाद में नंबर को प्रिंट करवाना है, ठीक है, इतना करना है। मैंने यूज़र से कहा कि भाई एंटर नंबर, यूज़र ने नंबर एंटर किया टू, आंसर आ गया फोर, राइट। मैंने फिर से यूज़र से कहा भाई एंटर नंबर, इस उसका दिमाग फेरा हुआ था, उसने कहा कि आई एम ऑसम, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका दिमाग फेरा हुआ था, एंटर दबाएंगे तो उसमें एरर आ जाएगी कि भाई मैं तो इंटीजर को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम ये स्ट्रिंग कहाँ से भेज रहे हो, ठीक है। तो एक एरर आई है वैल्यू एरर। तो इस टाइप की एरर्स को हैंडल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, कि जिस एरिया में आपको लगता है कि यूज़र गलती करेगा या कर सकता है, तो उस चीज़ को हम डाल देते हैं ट्राई के अंदर, ठीक है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे यूज़र गलती कर सकता है, तो उसके डाल देंगे हम ट्राई के अंदर। और दूसरा, अगर हमारी की एरर आती है, उसे हम डालते हैं एक्सेप्ट के अंदर, कि अगर हमारी इसमें कोई एरर आ रही है तो हैंडल हो जाए। और हैंडल कैसे होगी, हमें लिखेंगे एक्सेप्ट, और जो एरर हमारी आई है वैल्यू एरर, ठीक है, इसे लिखेंगे वैल्यू एरर, कि अगर इस इतने कोड के अंदर हमने कोई चीज़ परफॉर्म करवाई है और उसमें से वैल्यू एरर आ रही है, तो हमें क्या परफॉर्म करवाना है वो हम इसके अंदर लिख सकते हैं। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया प्रिंट आर यू मैड और समथिंग, प्लीज एंटर अ नंबर, ओके लेट्स ट्राई इट, रन किया, लिखेगा एंटर अ नंबर, मैंने टू एंटर किया, उसने प्रिंट कर दिया फोर, फिर से मैंने एंटर नंबर लिख आया, मैंने लिखा हा, एंटर किया, आर यू मैड और समथिंग, प्लीज़ एंटर अ नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम प्रोग्राम को हैंडल कर सकते हैं, हमारी एरर को हैंडल कर सकते हैं, अगर यूज़र हमारा गलत चीज़ें एंटर करता है या यूज़र हमारे मजे ले रहा है तो वैसे उसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, खाली वैल्यू एरर नहीं, और भी बहुत सारी एरर्स होती हैं जो हमारी अकर हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, इस नंबर यहाँ से रिमूव किया एंड किसी भी एक नंबर को डिवाइड करवा लिया नंबर से, ठीक है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ फिर से, तो उनका एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे जीरो एंटर कर दिया कि हम 18 को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं, तुम्हारी जो एरर आ रही है वो आ रही है जीरो डिवीज़न एरर, कि भाई डिवीज़न बाई जीरो कर रहे हो तुम, क्या दिमाग में ख़राब है।
तो ये एक और एरर आई, तो इसे हैंडल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फिर से वही कंसेप्ट, एक्सेप्ट हमारी क्या आर थी, एरर, जीरो डिवीज़न एरर, तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया जीरो डिवीज़न एरर और डबल कॉलन, उसके बाद में प्रिंट कर लिया प्लीज़ डोंट एंटर ज़ीरो। ओके, ये हमने प्रिंट करवा लिया और रन किया, एंटर नंबर मैंने किया 3, उसने कहा 6.0, मैंने कहा 5, 6.3.0, मैंने कहा हा, उसने कहा आर यू मैड समथिंग प्लीज़ एंटर नंबर, मैंने यहाँ पे एंटर किया 0, तो उसने कहा प्लीज़ डोंट एंटर 0। ठीक है, तो ऐसे हम बहुत सारे हैंडल्स को एक साथ हैंडल, बहुत सारे एरर्स को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। इन दैट केस अगर आपको ये नहीं ध्यान रहता कि कौन सी एरर हम एकर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम खाली एक्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी अगर एरर हमारी आती है, कोई एक्सेप्शन हमारी आती है, तो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन प्रिंट कर देगा। ओके, इसके अलावा एक और कीवर्ड हमारे पास में होता है, वो हमारा होता है फाइनली। क्या होता है कि ट्राई के और एक्सेप्ट के ब्लॉक्स में कोई एक चीज़ रन होगी, तो ट्राई रन हो जाएगा, अगर ट्राई हमारा रन हो गया सक्सेसफुली तो हमारा ये ब्लॉक वाला रन हो जाएगा, सॉरी ये ब्लॉक वाला रन नहीं होगा, अगर हमारे ट्राई में कोई एरर आ जाती है तो हमारा ये एक्सेप्ट वाला रन होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होती है तब हमारा ये एक्सेप्ट वाला पोर्शन रन होता है। यू नो फाइनली क्या कहता है कि अगर इन दोनों में से कोई सा भी अगर एक्सेप्शन आती है तब भी, अगर एक्सेप्शन नहीं आती है तब भी ये रन होगा ही होगा, कंपलसरी है। ठीक है, डजेंट मैटर हमारे पास में हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी ये प्रिंट होगा, अगर आप कोई वैल्यू गलत डाल रहे हो तब भी ये प्रिंट होगा, अगर आप वैल्यू सही डाल रहे हो तब भी ये प्रिंट होना ही होना है। तो जो चीज़ हमें कंपलसरी रन करवानी ही होती है, तो वहाँ उसे हम फाइनली के अंदर लिख देते हैं। रन करते हैं फिर से, मैंने यहाँ पे डाल दिया 5, तो लिख के आ गया 3.6 और प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। ओके, फिर से मैंने डाला हा, यहाँ पे हमारा जो एरर आ गई थी एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के अंदर हमने लिखा था वो प्रिंट हो गया, उसके बाद में क्या गया प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। तो फाइनली हमारा जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है कि कंपलसरी किसी लाइन को प्रिंट करवाने में या कंपलसरी किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने में। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक स्टफ ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। अब से रिमूव करते हैं, अब बात करते हैं क्लास की। आपने क्लास तो सुना ही होगा जावा में, सी प्लस प्लस में। सो क्लास, क्लास इज़ अ कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑल्सो ये इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंग टू मी, या फिर आपके सबसे बेसिक डेफिनेशन हो सकती है क्लास की, वो हमारी ये है कि क्लास इज़ एन ईजी वे वेयर वी कैन ग्रुप सिमिलर वेरिएबल्स और फंक्शंस टुगेदर। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे हम क्लास के अंदर क्या करते हैं, वेरिएबल्स का ग्रुप बना देते हैं और फिर हमारे फंक्शंस का भी ग्रुप बना देते हैं। ठीक है, वो ग्रुप ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, एक क्लास। क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ यूज़ करते हैं क्लास कीवर्ड और कुछ एक क्लास का नेम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया प्लेयर। ठीक है, पी मैंने कैपिटल दिया है क्योंकि अच्छी हैबिट है ये, क्लास का जो फर्स्ट हमारा लेटर है उसे कैपिटल देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, हाँ सॉरी, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, यहाँ यूज़ किया लाइफ, लाइफ है प्लेयर की 3। ओके, मैंने कहा था कलेक्शन ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स या फिर मेथड्स, ठीक है, फंक्शंस, तो यहाँ पे हमने एक लाइफ एक बना लिया वेरिएबल या फिर प्रॉपर्टी, राइट, और यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया अटैक, डेफ अटैक। ये क्या करेगा, जो हमारी लाइफ है उसके अंदर लाइफ -1 डाल देगा, मतलब लाइफ को एक कम कर देगा, जब भी हमारे प्लेयर के ऊपर अटैक होगा तो ये लाइफ को एक कम कर देगा। ठीक है, एक चीज़ नोटिस करने वाली यहाँ पे ये है कि ये सेल्फ कंटेन करता है अपने एज आर्गूमेंट। और यहाँ पे सेल्फ क्या है इसे आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा, अभी थोड़ी देर में मैं डिस्क्राइब करूँगा कि सेल्फ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्फ डॉट लाइफ और यहाँ पे भी सेल्फ डॉट लाइफ। ओके, नाउ अभी आप सेल्फ पे ध्यान ना दीजिएगा, थोड़ी देर में इसे डिस्क्राइब कर लेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्लास, इसके अंदर एक और मेथड बना देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाया डी ई एफ गेट लाइफ। ठीक है, अगर हम किसी गेम की बात करें तो उसमें ऐसे कुछ मेथड्स होंगे,
जब हमारा प्लेयर दूसरे प्लेयर पे अटैक करता है तो उसकी लाइफ एक कम हो जाए, या फिर जब चाहते हैं कि हमारी लाइफ प्रिंट हो जाए तो यहाँ पे लिखा जाए गेट लाइफ फॉर एग्जांपल, ये भी हमारा सेल्फ कंटेन करेगा सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा प्रिंट लाइफ लेफ्ट इक्वल टू सेल्फ, सॉरी एस टी आर एंड सेल्फ डॉट लाइफ। तो ये हमने एक वेरी बेसिक क्लास बनाई है, क्लास का नेम है प्लेयर, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टी है लाइफ इक्वल टू 3, और ये अटैक दो अटैक और गेट लाइफ दो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं जो हम इस क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ क्लास का यूज़ हम करते ही क्यों हैं, ठीक है। पहला कंसेप्ट उसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्लास के इन मेथड्स को हम कॉल कैसे करेंगे। किसी भी क्लास को कॉल करने के लिए या फिर किसी क्लास को यूज़ करने के लिए हम उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने लिखा P1 इज प्लेयर 1, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एक प्लेयर ऐसे, क्लास का नेम और पैरेंथेसिस। इसका मतलब क्या है कि P1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है क्लास प्लेयर का, ठीक है। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्लास, कि इस P1 के अंदर ऑटोमेटिकली जो लाइफ है वो 3 आ गई होगी, ठीक है। ये जो मेथड है ये P1 के थ्रू हम कॉल कर सकते हैं। आप कहेंगे तो नॉर्मली भी हम कॉल कर सकते थे, क्या होता है कि अगर हम आपस में दो प्लेयर हैं तो क्या, तो इस P1 के अंदर एक कॉपी होगी, इसके अंदर लाइफ होगा, अटैक गेट लाइफ दो मेथड होंगे। इस P2 के अंदर एक और कॉपी होगी जो हमारे इस P1 से बिल्कुल सेपरेट होगी, ठीक है। तो क्लास हमारा क्या होगा, एक ब्लूप्रिंट, और उस ब्लूप्रिंट को हम यूज़ कर सकते हैं उसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना करके। कितने भी प्लेयर हम बना सकते हैं, सबका अलग लाइफ होगा, 3 किसी का, 2 किसी का, 1 अकॉर्डिंग टू अटैक, राइट। तो हमें बार बार हर प्लेयर के लिए अलग अलग मेथड डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ P1 क्या कर सकते हैं हम, P1 के थ्रू मैंने कॉल किया गेट लाइफ, P1 डॉट गेट लाइफ। गेट लाइफ क्या है, एक मेथड, ठीक है। तो क्योंकि P1 हमारा एक ऑब्जेक्ट है क्लास प्लेयर का, तो जो हमारा गेट लाइफ है वो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द P1। नाउ क्या होगा कि P1 डॉट गेट लाइफ, यहाँ से ये गेट लाइफ कॉल हुआ, ये क्या चीज़ है। अब सेल्फ की बात करते हैं, सेल्फ यहाँ पे क्यों यूज़ किया था, ये सेल्फ हमारा रिप्रेजेंट करता है P1 को, ठीक है। क्योंकि P1 ने इसे कॉल किया है तो ये क्या दिखाएगा, यहाँ पे P1 मान लीजिएगा और इस सेल्फ की जगह पे मान लीजिएगा P1 डॉट लाइफ, कि P1 की लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। उसकी लाइफ को एक कम करेगा और यहाँ पे क्या करेगा, ये P1 की लाइफ को ही प्रिंट करेगा। लेट्स सी, मैंने प्रोग्राम रन किया, लिखा गया लाइफ लेफ्ट 3, जो लाइफ है P1 की वो कितनी है 3। तो यहाँ आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू उसकी गेट लाइफ फंक्शन को कॉल किया, और ये सेल्फ हमारा स्टैंड है P1 के लिए। कोई ऑब्जेक्ट जिसे हम कॉल कर रहे हैं ये सेल्फ उसकी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, और यहाँ पे हम उसकी जो लाइफ है सेल्फ डॉट लाइफ वो प्रिंट कर रहे हैं, यानी P1 की लाइफ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि P1 के लिए लाइफ अलग है, अगर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लेट्स से मैंने यूज़ किया P2 गेट लाइफ, तो क्योंकि अभी पहले हमने P2 का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा यहाँ पे, ये हमने नहीं किया है। P2 इक्वल टू प्लेयर, ठीक है। अब इसकी गेट लाइफ को हम कॉल करते हैं, तो फिलहाल जो आंसर आएगा हमारा सेम आएगा, क्योंकि दोनों की लाइफ अभी 3-3 है। इस केस में जो हमारा सेल्फ है वो P2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने P2 से गेट लाइफ को कॉल किया है, ठीक है। और इस केस में किसे रिप्रेजेंट कर रहा था, P1 को, ओके। लेट्स से हमने क्या किया, P1 पर अटैक कर दिया, ठीक है। P1 पर अटैक हुआ है, उसके बाद में हम P1 की जो लाइफ है वो फैच कर रहे हैं गेट लाइफ, ठीक है। रन किया एंड इस बार जो हमारी लाइफ लेफ्ट है P1 की वो हमारी रह गई 2, क्योंकि उसके बाद में अटैक हुआ है। अटैक किस पे हुआ है, P1 पे, यहाँ से P1 के ऊपर अटैक हुआ, तो ये सेल्फ के अंदर क्या है, P1, और P1 की लाइफ क्या होगी, एक कम हो गई, ठीक है। अगर हम जो P1 की लाइफ को प्रिंट करवाएंगे तो हमारी एक कम होकर प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी, और जबकि हमारी जो P2 की लाइफ है वो एज इट इज़ सेम है। तो क्लास की एक कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट के पास में जाती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट का जो ढांचा है वो हमारा कौन डिफाइन करता है, ये क्लास, कि ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं।
आई होप आपको क्लास का बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा, क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमें ये फंक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। आई मीन इस फंक्शन को हमने कॉल किया, अटैक को कॉल किया, गेट लाइफ को कॉल किया, तभी कॉल हुए, ठीक है। इसके अलावा एक क्लास के अंदर फंक्शन होता है, एक काम करते हैं इन सब को हटा देते हैं यहाँ से, हाँ इसे भी हटा देते हैं, ठीक है। कोई एक फंक्शन रहने देते हैं यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे लाइफ लेफ्ट प्रिंट हो जाए, या फिर मैंने लिखा गेट लाइफ इज कॉल्ड, ओके। तो अगर हमें इस मेथड को एक्सेस करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे भाई, जो हमारे प्लेयर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल नेम है p1, तो p1.getLife यूज़ करेंगे तो हमारा ये कॉल हो जाएगा, राइट। अब एक मेथड ऐसा होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब हम उसका ऑब्जेक्ट, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। मेथड का नाम है dev _INIT फिर _, ठीक है, सेल्फ, उसके बाद में इसके अंदर जो भी हमें परफॉर्म करवाना है, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो वो हम परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा ली कि ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड, या ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है। अब बताते हैं इसका फ़र्क क्या है। देखिए यहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने p1 = player, हमने कहीं से कहीं तक अभी तक इस इनिट को कॉल नहीं किया है, जबकि जैसे प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगी, जो मैंने सोचा नहीं था। इट्स बिकॉज यहाँ पे ओके रन करेंगे फिर से तो यहाँ लिखा गया ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, हमारी ऑटोमेटिकली कॉल हो गया, ठीक है। तो इनिट एक ऐसा फंक्शन है, ठीक है, जो एज अ कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। अगर आपने जावा पढ़ा होगा, सी प्लस पढ़ा होगा, तो इसमें कंस्ट्रक्टर कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं जैसे हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। मोस्टली इन्हें हम इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इनिट भी एक ऐसा ही फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जैसे हमारा क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर हमें गेट लाइफ को कॉल करना है तो हमें उसे कॉल करना पड़ेगा, प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि भाई p1 getLife, ठीक है, जबकि इनिट को ऐसा करना नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा कोई भी हमारा जो मेथड है, फंक्शन है, तो वो रिसीव कर सकता है कितने भी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स। मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, उस नंबर को हम अंदर प्रिंट करवा सकते हैं और यहाँ से हमें गेट लाइफ के अंदर एक नंबर पास भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। और सेम ऐसे ही इसके साथ भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक और आर्गूमेंट्स को रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्गूमेंट रिसीव किया एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, डाल दिया सेल्फ डॉट एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू, इसे कोई और नाम दे देते हैं, मैंने दे दिया एक्स, ठीक है, एक्स हमने एनर्जी के अंदर डाल दिया। तो ऑटोमेटिकली जैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, वाह इट्स शोइंग मी अपडेट्स बाय वायर प्रोटेक्शन, एक्चुअली आई एम यूजिंग लिनक्स तो मैं ये सब चीज़ें अपडेट नहीं करता हूँ, विंडोज़ खाली ट्यूटोरियल्स के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, ओके रिमूव इट। तो एवरी टाइम जब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसकी सेल्फ एनर्जी हम यहाँ से पास कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में दो तीन ऑब्जेक्ट हैं, लेट्स से पहला हमारा है जेसन, ठीक है, ये एक प्लेयर है जिसकी एनर्जी है 5, और यहाँ पे एक और मैंने प्लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया इंद्रजीत, ऑफ कोर्स ये बॉस है, ठीक है, तो बॉस की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, मैंने कर दिया 10, ओके। और इसके अंदर हमने क्या किया, गेट लाइफ के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया एनर्जी लेवल इक्वल टू प्लस str सेल्फ डॉट एनर्जी, एनर्जी, ओके प्रिंट करा ली। और यहाँ पे यार ये लाइफ लाइफ का कोई चक्कर ही नहीं है, हटा देते हैं, ओके। तो मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया जेसन डॉट गेट लाइफ, और जैसे इसे रन करेंगे हम, रन करेंगे तो आ जाएगा एनर्जी लेवल 5, किसका, जेसन का।
और अगर मैं अपना एनर्जी लेवल चेक करूँगा, अपना नहीं मतलब इस इंद्रजीत वेरिएबल का, तो कैट लाइफ शेव किया, रन किया, तो हमारा एनर्जी लेवल जो आएगा वो आ जाएगा 10, ठीक है, जबकि हमने यहाँ पे कहीं से कहीं तक इसे कॉल नहीं किया। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं या आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और इसके अंदर वैल्यू पहुँच जाएगी, ठीक है, जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं। ओके, एक और कंसेप्ट आता है क्लास के अंदर यार, कि क्लास वेरिएबल क्या होता है और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो ये बड़ा कंसेप्ट नहीं है, छोटा सा है, हम देख लेते हैं। मैंने एक क्लास बनाई, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बनाई है जेंडर, या मैंने बनाई है गर्ल, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या किया है कि उस गर्ल का जेंडर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, फीमेल, राइट। तो हमको पता है कि हर गर्ल का जो जेंडर होगा फीमेल होगा, राइट। तो ये हमारा एक क्लास वेरिएबल है, ठीक है। हालांकि कमेंट को ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, हाँ कमेंट्स कैसे लिखते हैं पाइथन में वो आप नोट कर लीजिएगा, हैश साइन यूज़ होता है। इसके बाद में हम लिखेंगे इट्स अ क्लास वेरिएबल, ठीक है, जो हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है। उसके अलावा व्हाट इज़ इंस्टेंस वेरिएबल, एक मेथड है जो हमारा क्या करता है, मेथड के हम कंस्ट्रक्टर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, इनिट INIT, ठीक है, ऑफ कोर्स सेल्फ एंड ये हमारा रिसीव करता है एक नेम, ओके। यहाँ पे मैंने कर दिया यार जो सेल्फ का नेम है, जो ऑब्जेक्ट का नेम होगा, ठीक है, वो जो यहाँ से नेम आया है पास होकर के वो हो जाएगा, ठीक है, ओके। नाउ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने, मैंने यहाँ पे लिखा आकांक्षा इक्वल टू प्लेयर, सॉरी गर्ल, ठीक है, आकांक्षा एक गर्ल है तो उसका जेंडर ऑटोमेटिकली फीमेल हो जाएगा, लेकिन जो नेम होगा, ठीक है, वो उसका डिफरेंट होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया कि उसका नेम है आकांक्षा अग्रवाल, ठीक है। तो यहाँ से जो नेम जाएगा ये पहुँच जाएगा हमारे इस नेम के पास में, और उसका जो नेम है आकांक्षा का पूरा नेम है जो वो इस नेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो आकांक्षा की जगह हम खाली ए भी क्रिएट कर सकते थे, ए डॉट गर्ल इक्वल टू आकांक्षा, यहाँ मैंने लगा गर्ल बकांक्षा, ओके। अग्रवाल की जगह पर कर देते हैं सबरवाल, ओके। तो जो ये हमारा है इनका जेंडर फीमेल रहेगा, हमको हमें पता है, और ये हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, तो ये हमारा एक क्लास वेरिएबल है, ठीक है। अब वहाँ पे हम यहाँ से एक वेरिएबल को सेंड कर रहे हैं, यहाँ से एक वैल्यू को सेंड कर रहे हैं, तब वो एक वेरिएबल क्रिएट होकर उसके अंदर एक वैल्यू आ रही है, ये हमारा है इंस्टेंस वेरिएबल, ओके। क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस की वैल्यू है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंस्टेंस एंड क्लास वेरिएबल्स। अब इसे बंद करते हैं, अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करते हैं, वो आता है इनहेरिटेंस। सो अगर हम बेसिकली बात करें व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, या इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि किसी और की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करना, किसी और की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना। फॉर एग्जांपल हमारे जो ग्रैंडफादर प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं तो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं, राइट, वो हमारे लिए छोड़ के गए हैं तो हमने उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है, ओके। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। अगर हम एक प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में हम क्या होगा कि एक बेस क्लास होगी, एक सब क्लास होगी, ठीक है, दो क्लासेस हमारे पास में हैं। तो जो हमारी फर्स्ट क्लास है, अगर हम उसकी वैल्यूज़ को इनहेरिट करना है तो हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट परफॉर्म करेंगे, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे मेन कंसेप्ट है। और कैसे हम किसी और क्लास के प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स या फंक्शंस को एक्सेस करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं क्लास, ठीक है, क्लास का नेम मैंने दे दिया बेस, यहाँ मैंने दे दिया पेरेंट, ओके, यहाँ पे। तो मैंने पेरेंट्स की एक प्रॉपर्टी बनाई आईज, जो हैं आईज जो हमारी हैं ब्लैक, ठीक है, और उनका जो लास्ट नेम है वो है फॉर एग्जांपल इन माय केस
मैंने एक मेथड बनाया डेफ कैट लास्ट नेम, ठीक है, हाँ लास्ट नेम मेरा है, आई मीन पेरेंट्स का है, प्रिंट मान। तो एक क्लास है जिसमें दो प्रॉपर्टीज हैं, पहली है आइज और एक फंक्शन है जो हमारा है लास्ट नेम, गेट लास्ट नेम, जो हमारा प्रिंट करेगा मान, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं, एक क्लास है क्लास मी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा ही है, यहाँ पर मैंने अपना नाम बता दिया इंद्रजीत, क्लास इंद्रजीत, ठीक है। यहाँ मुझे प्रिंट करना है, या फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर एक मेथड बनाया डी ई एफ गेट माई नेम, या फिर मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। और ये हमारा क्या करेगा, फर्स्ट नेम प्रिंट कर देगा, प्रिंट इंद्रजीत, या फिर इसमें हम ला देते हैं सिंह। तो यहाँ हमारे पास में दो क्लासेस हैं, पहली है पेरेंट, दूसरी हमारी है इंद्रजीत। क्या करना है कि जो इंद्रजीत है, ठीक है, उसका फर्स्ट नेम तो पता है इंद्रजीत सिंह है, लास्ट नेम कहाँ से आएगा, इनहेरिट होके पेरेंट से, ठीक है, क्योंकि जो हमारे पिताजी का नेम होता है, फादर का नेम होता है, उसका लास्ट नेम होता है, वही हमारे नेम के लास्ट में होता है, राइट। ऐसी कुछ चीज़ें और जो हम इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से, वो होता है हमारी आइज़ का कलर, समटाइम्स हाइट या समटाइम्स व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ कि इस क्लास को इनहेरिट करूँगा इंद्रजीत के अंदर, ठीक है, क्योंकि करेंटली अगर हम मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इंद्रजीत का आई इक्वल टू इंद्रजीत, ठीक है, तो इस केस में मेरे पास सिर्फ एक मेथड है, वो है फर्स्ट नेम। मैं चाहता हूँ कि यार ये सारे के सारे मैथ, ये प्रॉपर्टीज आई भी इंद्रजीत के पास में एक्सेस हो जाए और ये गेट लास्ट नेम भी इंद्रजीत के पास में एक्सेस हो जाए। तो ऐसे हम इनहेरिटेंस कंसेप्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं पैरेंथेसिस, ठीक है, और यहाँ पे हम लगाते हैं फिर पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हमारी जो बेस क्लास है जिसे हम इनहेरिट कर रहे हैं पेरेंट, उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। मैंने अब लिखा पेरेंट। तो अब इस आई के पास में मेथड्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नेम नहीं होगा, ये इसकी आईज को भी एक्सेस कर सकता है और ये इसके लास्ट नेम को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया कि प्रिंट आई डॉट आईज, ठीक है, मैंने रन किया तो क्या गया ब्लैक, क्योंकि जो आई की आईज हैं वो ब्लैक हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पे हमने कहीं से कहीं तक आईज को डिफाइन नहीं किया है। ये कहाँ से आया, ये इनहेरिट हो क्या है हमारे पेरेंट क्लास से, ठीक है। और ऐसे ही हम प्रिंट कर सकते हैं अपनी और भी चीज़ें, मैंने यहाँ पे लिखा आई डॉट कैट, सॉरी आई डॉट फर्स्ट नेम, मैंने कॉल फंक्शन किया फर्स्ट नेम इसे कॉल किया, ठीक है, और प्लस लास्ट नेम को भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पे आई डॉट गेट लास्ट नेम, ओके, और इसे रन करेंगे तो हमारी एरर आ जाएगी जो मुझे पता नहीं था एक्चुअली वहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रिंट हो रहा है, तो हम प्रिंट करवाने की जगह यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे रिटर्न, ठीक है, यहाँ मैंने यूज़ कर लिया रिटर्न। जो हमारा फिर से एरर दे रहा है, आई थिंक द एरर इज बिकॉज ऑफ दिस पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे जो एरर आ रही है वो बहुत ही बेसिक एरर है, पता है क्यों एरर आ रही है, क्योंकि यार यहाँ पे सेल्फ कौन लिखेगा, ओके, दिस इज अ वेरी मोस्ट कॉमनली यूज क्या बोलते हैं उसे एरर है, क्योंकि हम लोग जावा वगैरह यूज़ करते आ रहे हैं, सी प्लस प्लस यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमको नहीं पता कि ये ध्यान नहीं रहता कि सेल्फ भी यहाँ पे लिखना है, सो वी हैव टू सॉरी नॉट इन हियर सेल्फ, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, ओके। अब हमारा जो है इंद्रजीत सिंह मान प्रिंट हो गया, ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या किया है कि इंद्रजीत क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, आई, और उस आई के थ्रू हम अपनी पेरेंट क्लास की भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने उस पेरेंट को यहाँ पे इनहेरिट किया है, ठीक है. सो ये हमारी सब क्लास है या फिर डिराइव्ड क्लास है, ये हमारी बेस क्लास है और ये क्लास हमारी इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रही है, ठीक है. चूँकि हमने यहाँ पे पेरेंट लिखा है तो ये इसके हम कोई से भी जो मेथड्स हैं उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है. तो ये प्रोसेस हमारा कहलाता है इनहेरिटेंस. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं. हम यहाँ पे कॉमा लगा के अगर हमारे उसमें एक और क्लास है, फॉर एग्जांपल मैंने इसके बना लिया फादर, नेक्स्ट क्लास को बना लिया मदर या मॉम, ठीक है, तो हम इसे दो में भी डिवाइड कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे पेरेंट को भी इनहेरिट कर लिया, यहाँ पे मॉम को भी इनहेरिट कर लिया. अब मैं दोनों के मेथड्स को अंदर जाकर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है. एक और बात कि लेट्स से मेरे पास में एक बेस क्लास है, मैंने नाम ले लिया बेस, ठीक है. इसके पास में एक मेथड है डी ई एफ शो, ठीक है. ये क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहा है बेस शो कॉल्ड, ठीक है. ऐसे हमारे पास में एक और क्लास है क्लास सब, ठीक है, जो हमारी इनहेरिट कर रही है बेस को. और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिलहाल अगर हम इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि यार इसके पास में एक मेथड है शो नाम का, ठीक है. मैंने यहाँ पे लिखा डेफ शो, सॉरी डेफ डिस्प्ले, और इसके अंदर लिखा प्रिंट सर्ब्स डिस्प्ले इज कॉल्ड, ठीक है. अब अगर हम सबका एक वेरिएबल बना लें, मैंने बनाया एस इक्वल टू, सॉरी ऑब्जेक्ट बना लें, ठीक है, सबका एक ऑब्जेक्ट बनाया सब, तो मैं एस के थ्रू शो को भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, और एस के थ्रू डिस्प्ले को भी कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि एस ने क्या किया है, सब ने क्या किया है, इनहेरिट किया है हमारी बेस क्लास को, राइट. इस प्रोग्राम का जो आउटपुट आएगा वो हमारा जाएगा कुछ यूँ, क्योंकि हमने जो सेल्फ यहाँ पे लिखना भूल गए हैं. इफ़ यू आर यूजिंग आई डी ई लाइक पाई चार्म तो ये ऑटोमेटिकली लिख के आ जाएगा, हम लोग को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. रन किया तो यहाँ पे लिखा गया बेस शो कॉल्ड और सब शो कॉल्ड डिस्प्ले कॉल्ड, ठीक है. हमने बेस का भी मेथड जो था फंक्शन था वो इस सब क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर लिया, और जो सब क्लास का था वो भी कॉल कर लिया. अब बात करते हैं मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, ठीक है. ओवरराइडिंग का मतलब है कि यह सेम मेथड है, ठीक है, वो शो के पास में भी है और वो बेस के पास में भी है, और हम शो का सब का, ठीक है, जो हमारा जो ड्राइव्ड क्लास है उसके मेथड से उसके ऑब्जेक्ट से शो को कॉल कर रहे हैं. तो ऐसे में जो हमारा ये शो है ये ओवरराइड हो जाएगा इस शो से, ठीक है, इस बार ये हमारा ये वाला कॉल होगा. तो इन बोथ ऑफ द केस हमारा जो रन होगा, यहाँ पे जो एरर आ रही है वो आ रही है ये वाली, ठीक है. रन करेंगे तो यहाँ पे आएगा सब्स डिस्प्ले इज कॉल्ड, ठीक है, जो हमारे शो मेथड के अंदर लिखा हुआ था. ओके तो ऐसे में अगर हम दो मेथड हैं सेम हैं, सेम नेम से हैं दोनों क्लास में, और हम ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस मेथड को कॉल करते हैं, तो हमारा ऑब्वियसली ये वाला मेथड कॉल होगा, ठीक है, ये वाले को ओवरराइड कर देगा. सो दिस इज मेथड ओवरलोडिंग, सॉरी ओवरराइडिंग, ठीक है. अब एक लास्ट कंसेप्ट बचता है हमारा थ्रेडिंग, उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं. सो बेसिकली सबसे पहले थ्रेडिंग होता क्या है यार, थ्रेडिंग का मतलब है कि एक साथ बहुत सारी प्रोसेसेस को, एक से ज़्यादा प्रोसेस को एक साथ चलाना, ठीक है. व्हाट आई मीन, अगर आपने एक फेसबुक मैसेंजर हम ले लेते हैं तो वहाँ पे हमारे पास में बहुत सारी थ्रेड्स चलती हैं, ठीक है, रिसीव करने की, मैसेज करने की और सेंड करने की भी. जब आप सेंड पे क्लिक करते हैं, ऐसा नहीं है कि सेंड पे क्लिक करने के बाद में ही मैसेज रिसीव होता है, मैसेज हम बीच में भी रिसीव कर सकते हैं और बीच में सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है. मतलब कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि पहले सेंड होगा कि पहले रिसीव होगा, अगर पहले मैसेज आया था तो रिसीव हो जाएगा, अगर पहले मैसेज सेंड हो जाता है तो सेंड हो जाएगा. तो अगर एक साथ हमें दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा प्रोसेस चलानी है तो वहाँ पे हम थ्रेडिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं. तो जो हमारी जो दोनों प्रोसेस होंगी वो एक साथ रन हो जाएंगी. फिलहाल हम आगे समझने के लिए क्या करते हैं, इसका एक प्रोग्राम बना लेते हैं. तो थ्रेडिंग का यूज़ करने के लिए हमें एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, वो हमारा है इंपोर्ट थ्रेडिंग, ठीक है. उसके बाद में हम एक क्लास बनाएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास बना ली मैसेंजर, ये अभी हम मैसेज की बात कर रहे थे,
और तो ये क्लास हमारी जो ड्राइव करेगी वो हमारी करेगी थ्रेडिंग डॉट थ्रेड क्लास को, ठीक है। तो थ्रेडिंग डॉट थ्रेड क्लास हमारी क्या है, एक क्लास है, बेस क्लास बन गई हमारे इस मैसेंजर क्लास के लिए। मैसेंजर हमारी क्या है, ड्राइव क्लास। ओके, तो अब जो इसके मेथड्स हैं थ्रेड के वो हम यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। इसका एक मेथड है डेफ रन नाम से, ठीक है। ये हमारा प्री डिफाइंड मेथड है, हम ऐसा नहीं कि रन की जगह कुछ और लिख लें, हमें रन ही लिखना है। और ऑफ कोर्स सेल्फ, उसके बाद में इसके अंदर जो भी हम परफॉर्म करवाएंगे वो हमारा ऑटोमेटिकली एक थ्रेड के अंदर एज अ थ्रेड वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया फॉर आई इन रेंज 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 रेंज, मैंने एक रेंज ले ली 10 टाइम्स, ठीक है। और क्या कर रहे हैं हम 10 टाइम्स कि प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट करेंगे, एक काम करते हैं थ्रेड का नाम ही प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे इसके थ्रेडिंग थ्रेडिंग डॉट करेंट करेंट थ्रेड आई थिंक एंड डॉट गेट नेम। ओके ओके, ये नेम हम कहाँ से लेके आएंगे थ्रेड का, जो नीचे थ्रेड क्रिएट करेंगे वहाँ से नेम पास कर देंगे और ये नेम ऑटोमेटिकली इस थ्रेड के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ हमने एक क्लास यहाँ पे बनाई जो हमारी थ्रेड को, थ्रेड क्लास को इनहेरिट करती है। इसके अंदर एक मेथड है रन जो कि हमारा थ्रेड की तरफ से यूज़ किया जाएगा, और इस रन के अंदर जो भी हमें थ्रेड बनाना है वो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया कि आई को लिया 10 टाइम्स, 10 टाइम क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा थ्रेड का नाम कि कौन सी थ्रेड हमारी चल रही है, जिससे पता लग जाएगा कि कैसे में अलग अलग थ्रेड्स चल सकती हैं। नाउ मैंने हमारा जो थ्रेड है मैसेंजर, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने बनाया एक्स इक्वल टू मैसेंजर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने मैसेंजर का, और इसके अंदर नाम नेम भेज रहे हैं थ्रेड का, ऐसे भेजेंगे नेम। इसके अंदर कोई नेम भेज दिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि सेंडिंग मैसेजेस, कि भाई मैसेज हमारा जा रहा है, ठीक है। और एक और बनाया बाई जो हमारा सेम है, बस यहाँ पे जो मैसेज हैं वो सेंड नहीं हो रहे हैं, इस बार मैसेज रिसीव हो रहे हैं। तो हम लोग को कोई ऑर्डर नहीं पता है कि कब हमारा मैसेज रिसीव होगा, कब हमारा सेंड होगा। जब हम सेंड पे क्लिक करेंगे सेंड होगा, और रिसीव तो किसी टाइम भी हो सकता है, ये हम पे डिपेंड नहीं करते, सामने वाले यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो हमारे पास में दो थ्रेड चलेंगे यहाँ पे। फर्स्ट हमारी चलेगी मैसेज सेंड करने के लिए, यहाँ पे वाई होगा, वाई क्या कुछ भी अपने अलग से ले सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारी चलेगी मैसेज सेंड करने के लिए, दूसरी रिसीव करने के लिए, ठीक है। ये दोनों एक साथ भी चल सकती हैं। अब मेन बताती है कि यहाँ पे मेथड है रन, ठीक है। अगर हम इसे कॉल करना है, इस रन मेथड को कॉल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, एक्स डॉट स्टार्ट, इससे हमारी जो थ्रेड है वो स्टार्ट हो जाएगी। या आप थोड़ा कन्फ्यूज होंगे, इस स्टार्ट को रन करने पे, इस स्टार्ट को कॉल करने पे हमारा ये रन मेथड रन होता है, ठीक है। आई डोंट नो इन्होंने यहाँ पे इसका नाम भी स्टार्ट क्यों नहीं कर दिया, थोड़ा ईजी हो जाता। वेल हमें इतना याद रखना है कि इस स्टार्ट मेथड को कॉल करने पे हमारा ये रन मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, और जो हमने यहाँ से पास किया था सेंडिंग मैसेजेस वो हमारा इस नेम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, उससे पहले हम वाई को भी स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारे जो दोनों थ्रेड्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, फटाफट मैसेज सेंड भी होंगे, फटाफट मैसेज रिसीव भी होंगे। हमको नहीं पता कि पहले सेंड होंगे या पहले रिसीव होंगे, इट्स टोटली डिपेंडेड ऑन आवर साइकिल ऑफ सीपीयू, हमारे सीपीयू के साइकिल के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर प्रोसेसिंग स्पीड के ऊपर की ऊपर भी, कि कौन सा थ्रेड पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा, ये हमारे सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है टोटली, ठीक है। हमारे इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पहले मैसेज रिसीव होगा कौन सा सेंड होगा। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो ये सिंटैक्स एरर देता है, ठीक है। और ये क्यों सिंटैक्स एरर देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे डबल कॉलन यूज़ नहीं किया। ओके, रन किया, फिर से सिंटैक्स एरर देता है, क्योंकि इस बार की सिंटैक्स एरर क्यों दे रहा है, ये कह रहा है टैब एरर, लेट मी चेक। ओके, प्रिंट नाउ चेक इट, स्टिल इट हैज द सेम प्रॉब्लम। ओके, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है, जस्ट दो बैक स्पेस लगा करके डबल स्पेस यूज कर लिया और ये रन हो गया, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है यार, ये किसी भी टाइम मैसेज सेंड कर रहा है। पहले ये हमारी थ्रेड चली, थ्रेड वन चली, एक्स जो हमारा थ्रेड का नाम था वो चला, एक्स थ्रेड चला सेंड मैसेज करने के लिए। उसके बाद में एक बार रिसीव मैसेज चल गया, उसके बाद में फिर सेंड मैसेज चल गया, उसके बाद में फिर रिसीव मैसेज चल गया।
तुम नहीं डिफाइन कर सकते कि कौन सा रिसीव हो रहा है, कौन सा सेंड हो रहा है. ऑटोमेटिकली दोनों थ्रेड हमारे बराबर चल रहे हैं, कंटिन्यूसली चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो कोई पर्टिकुलर आउटपुट हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे. दोनों थ्रेड एक साथ चलेंगे तो कुछ भी पहले प्रिंट हो सकता है. तो ऐसे अगर हमें दो प्रोसेस एकदम एक साथ चलानी है, हमें नहीं पता है कौन सी पहले चलानी है कौन सी बाद में, दोनों को एक साथ चलाना है, तो ऐसे में हम थ्रेडिंग का यूज़ कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. फिर एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं, लाइक लैम्डा एक्सप्रेशन, जो हम देख लेते हैं अभी. यार लैम्डा एक्सप्रेशन कुछ नहीं होते हैं, जस्ट एक छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, ठीक है. कैसे यूज़ करते हैं इनका हम बताते हैं. मैंने एक वेरिएबल लिया आंसर, ठीक है, इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा लैम्डा. यस, दिस इज़ द स्पेलिंग ऑफ लैम्डा. और यहाँ पे एक नेम डिक्लेयर कर देंगे, मैंने लिया एक्स, एक्स इज़ स्टैंड फॉर इनपुट, ठीक है, और डबल कॉलन, और यहाँ पे जो हमें रिटर्न करना है, फॉर एग्जांपल हमें रिटर्न करना है एक्स मल्टीप्लाई 7, ठीक है. और यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं आंसर को, और इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने पास कर दिया 5, ठीक है. अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आंसर आता है 35. क्या हो रहा है यहाँ पे कि आंसर में मैंने 5 पास किया, ये आंसर के पास में जाएगा, उसके आगे जाएगा और देखेगा यार लैम्डा एक्सप्रेशन है ये तो, ठीक है. और लैम्डा एक्सप्रेशन में जो पहला हमारा आर्गूमेंट होता है वो होता है हमारा इनपुट. हमने यहाँ से 5, ये एक्स है, ये हमारा क्या है, ये 5 है, ठीक है. और डबल कॉलन के बाद में जो भी हम लिखेंगे वो हमारा रिटर्न हो जाएगा, ओके. तो ये हमारा स्मॉल फंक्शन है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं. हमें बार बार पूरा फंक्शन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि डी ई एफ आंसर, फिर उसके बाद अंदर लिखें कि यहाँ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस या एक्स मल्टीप्लाई 7 देन रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई 7 वट एवर, ठीक है. तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम एक लाइन के अंदर ही काम कर सकते हैं. ये हमारा इनपुट है, ये हमारा रिटर्न होगा और इसे हम कॉल कर सकते हैं. ये हमारा इसका मेथड का नेम हो गया, ठीक है. इन द सेम केस अगर हम कोई और वैल्यूज़ को यहाँ पे पास करते हैं 7 8, तो यहाँ पे ये 7 एक्स के पास में जाएगा और उसके बाद में ये जो रिटर्न होगा वो हमारा होगा एक्स को मल्टीप्लाई करके 7 से, जो आंसर आएगा वो हमारा रिटर्न हो जाएगा. इन दिस केस रिटर्न होगा 49, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई 7, एंड इन दिस दिस केस हमारा रिटर्न होगा 56, क्योंकि 8 × 7, ओके. रन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई, जो हमने सोचा था 35, 49 एंड 56. सो हमारा लगभग बेसिक कंप्लीट हो गया है. अब एक और कंसेप्ट आता है यार छोटा सा, वो भी कवर कर ही लेते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है. कौन से वाइज ऑपरेटर? बिट वाइज ऑपरेटर. ये क्या होते हैं इन्हें भी देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वेरिएबल है ए, उसके अंदर वैल्यू है 50, ठीक है. और दूसरा हमारा है बी, उसके अंदर वैल्यू है 25, ठीक है. तो बिट वाइज ऑपरेटर हमारे होते हैं जैसे एंड है, और है, ठीक है. और हमारा होता है पाइप साइन, वेयर इट इज़, ओके, और है, या फिर इसके अलावा राइट शिफ्ट है, लेफ्ट शिफ्ट है. तो हमारे बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं. ये क्या करते हैं यार कि एक वेरिएबल मैंने लिया सी, ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले हमने एंड परफॉर्म करवाया, ए एंड बी, ओके. तो इसका रिजल्ट क्या होगा हमारा, ये जो हमारा ए एंड बी जो हमारा, ये क्या प्रिंट करेगा, मतलब सी के अंदर क्या वैल्यू आएगी. अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है. बेसिकली वर्किंग कुछ नहीं है, इस 50 को हम अगर बाइनरी में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, हैश. मैंने यहाँ पे लिख दिया बाइनरी की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 11 या फिर 110010, राइट. ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 50 की, या 50, ओके. उसके बाद में अगर 25 की बात करें हम, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी, 011001, राइट. तो ये हमारी क्या होगी, इन दोनों की वैल्यू. आपको अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करना आता हो तो कैसे होते हैं, सॉरी एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना तो कैसे होते हैं कि अगर हमारे दोनों वैल्यूज़ वन है तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1, राइट. तो यहाँ पे वैल्यू 100 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 और 1 0 0, जहाँ हमारे दोनों वैल्यूज़ 1 होंगी वहाँ पे हमारा 1 आएगा, ऑटो बाकी सब पे 0 आएगा. अब इस बाइनरी फॉर्मेट की हमारी वैल्यू आंसर हमारा कितना आएगा, डेसिमल में अगर कन्वर्ट करें तो आएगा 0 1 2 3 4, 2 to the power 4 हमारा होता है, 2 × 2 2 × 4 2 × 3 2 × 4, टोटल 16 है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, हमारा वैल्यू 16 है, क्योंकि 2 की पावर 4 है तो हमारा आंसर आएगा 16 है. तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा आंसर भी आता है 16, ओके. सो इसकी जगह पे हम और भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे और यूज़ करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इस बार हमारा अगर दोनों में से एक भी 1 है तो हमारा आंसर 1 आएगा, 1 1 हियर इज 1
एंड वन वन वन, ठीक है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा और जो हमारा प्रिंट होगा वो हमारा जाएगा 59, जो हमारी इस पूरे की वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी 59 होगी। ओके तो ऐसे में बिट वाइज ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं यार, ये तो था हमारा एंड ऑपरेटर या और ऑपरेटर, ठीक है, मैंने यहाँ पे से लिख देते हैं यहाँ पे बिट वाइज एंड और, ठीक है, टिक 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 टिक। अगर ऐसे हमें राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? राइट शिफ्ट, लेट्स से राइट शिफ्ट, ठीक है, ओके, मेरे पास में एक वैल्यू है फॉर एग्जांपल एक्स के अंदर, नॉट जेड, एक्स के अंदर, ठीक है, वैल्यू हमारी है 240। अगर 240 की अगर हम बाइनरी वैल्यू को देखें तो कितनी होगी? 111, मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर रखे हैं, आप निकाल लीजिएगा, 0000, ठीक है, 4 times 1, 4 times 0, ये एक्स की हमारी वैल्यू होगी। अगर हम यहाँ पे बिट वाइज सॉरी शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने किया वाई इक्वल टू हमारा है एक्स, राइट शिफ्ट ऐसे लिखते हैं और लेफ्ट शिफ्ट ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मैंने लिखा राइट शिफ्ट 2, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे? और उसके बाद पहले प्रिंट कर देते हैं वाई, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि यार हैश कि हमारी जो वैल्यूज़ है ना, इन सारी वैल्यूज़ को दो दो प्लेसेस राइट की ओर शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो हमारी ये दो प्लेसेस ख़त्म हो जाएंगे इधर और ये दोनों प्लेसेस लास्ट पे आ जाएंगे, ये उसके बाद में आ जाएंगे, ये उसके बाद में आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0, राइट, फिर 1 1 1 1, हमारे दो प्लेसेस इधर खिसक गए सारे 1 और यहाँ पे 0 0, ओके, तो अब जिसकी जो इसका आंसर आएगा वही हमारा वाई के अंदर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 3 लिखते तो हमारे सारे 1 3 3 बिट्स शिफ्ट होते इस तरफ के लिए, राइट राइट साइड के लिए, ठीक है, अगर हम लेफ्ट यूज़ करते हैं तो ऐसे हमारे जो वंस हैं ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड के लिए शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर जो आएगा वो हमारा जो इसका रिजल्ट होगा वही हमारा आंसर होगा, तो आंसर हमारा है 60। इसका मतलब ये है कि इसे अगर हम राइट शिफ्ट करते हैं 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 60। ओके सो दिस वॉज द वेरी बेसिक स्टफ ऑफ पाइथन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको पाइथन में थोड़ी हेल्प मिली हो, ठीक है, सो प्लीज़ कमेंट बिलो, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है एक वीडियो को बनाने के अंदर, ठीक है, तो सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइज, बाय बाय।